हेलो बच्चों, लास्ट टर्म पे जो अपना लॉगरिथम का लेक्चर हुआ, बच्चों का बहुत अच्छा प्यार और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। काफी अच्छा लगता है। जैसे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वैसे हमारे को भी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ बच्चों के मतलब मैंने कमेंट पढ़े काफी, तो कुछ बच्चों की एक समस्या निकल के आई कि सर हमारे को कोरोना काल में हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई और हम बहुत कम काम कर पाए, तो सर आप हमारे को थोड़ा सा बेसिक भी हमारा क्लियर करो ना सर, है ना। तो हमारा बेसिक थोड़ा सा हिला हुआ है और मेरे को इस बात की जरूरत इसलिए भी महसूस हुई, एक बच्चे ने डाउट पूछा, अभी मैं बताऊंगा। तो उस डाउट को देख के लगा कि वास्तव में बहुत ज्यादा बेसिक की जरूरत है, तो अपन थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन जब बेसिक की बात करेंगे तो बच्चों फिर पूरे ही ओवरऑल फिजिक्स में जो जहां जहां तुम गलती कर सकते हो उस सारे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शायद मेरे को फर्स्ट टर्म में ही बेसिक की बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग में ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि जिसके बारे में अपन नहीं समझ पाए। ठीक है, छोटी मोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक आपने करी है, ठीक है, वो देख लेते हैं। दूसरा काम, लोग का जो मैंने होमवर्क दिया बच्चों, मैंने लोग का जो होमवर्क दिया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों होमवर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब हमारे को होमवर्क मिलता रहे और उस पर हम काम करते रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क देख लेते हैं, जहां जरूरत होगी वहां मैं होमवर्क देता रहूंगा आपको। बाकी अपने डीपीपी और मॉड्यूल काफी शानदार बने हुए हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। इररिलेवेंट क्वेश्चन ना करें, मैं मार्किंग जो करवाऊं वो कर ले। ठीक है, कई बार हम क्वेश्चन इसलिए भी देते हैं कि बच्चे का मेंटल होता ना, हम आपको नीट से एक लेवल अप रखना चाहते हैं, एक या दो लेवल अप रखना चाहते हैं, ताकि क्या नीट में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करो। कई बार आप क्या करते हो, बेसिक तो क्लियर नहीं होता और उनसे पजल्ड होने लगते हो, तो पजल्ड होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपसे जो क्वेश्चन, देखो बेटा जिंदगी में पढ़ने का तरीका, जो क्वेश्चन होते जाए वो करता जा, जो नहीं हो उसको पहली बार में साइड में रख। क्या बोल रहा हूं मैं, पहली बार में साइड में रख, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन करते करते हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फिर वो क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट वाला होता है, उसमें दो कंसेप्ट लग रहे होते हैं, हमें एक आता है एक नहीं आता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो अगला कंसेप्ट भी जब सीख जाते हैं वो अपने आप हो जाता है। तो बच्चों टफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिनमें मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं या बहुत बुरी कैलकुलेशन होती है। बुरी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, और मल्टीपल कंसेप्ट हमारे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमारे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेटा नेगेटिव थॉट दिमाग में आनी नहीं चाहिए, समझ में आ गई, हमेशा पॉजिटिव रहो। क्लियर है? ठीक है, आपके खिलाफ कई बार षड्यंत्र रचते हैं, जिसको सो कॉल्ड दोस्त होते हैं ना, आपको परेशान करने के लिए, तेने ये बुक कर ली क्या, कई बार आपके पास फोन आएंगे, तेने फलानी बुक कर ली क्या, समझ में आ गई। लेना देना कुछ नहीं भाई साहब, अगला कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये टेंशन देने के लिए SCV कर ली क्या, वो बुक कर ली क्या। बेटा मेरी बात सुनो, आप कोई बुक करो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट पेज पन्ना फाड़ दो, आप कोई बुक करो सब क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे बेसिक से बेसिक किताब या वो जो उधर 10 रुपए की मिलती है वहां पे क्या नाम रेलवे स्टेशन, उसके भी क्वेश्चन नहीं होंगे, समझ में आ गई। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ज्यादा है ना लोगों के उसमें मत आओ, है ना, लोग क्या कर रहे हैं, ये LKK के शिकार हो जाते हैं, है ना, LKK लोग क्या कर रहे हैं और अपन टेंशन में, समझ में नहीं। मैं पता क्या करता था, मेरे पास कभी फोन आ जाता था ना दोस्त का, तो मैं जानबूझ के खुद नहीं उठाता था, मुझे पता षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, जैसे फोन करा मेरे घर पे, पहले तो हमारा क्या लैंडलाइन वाले, तो फोन करा, हेलो, मेरी मम्मी उठा दी थी, आंटी जी मोहित है क्या, तो मैं पहले ही मम्मी को, मेरे को मालूम है, देखो अपने को दोस्तों के नेचर पता होते कौन किस हिसाब से फोन कर सकता है, तो मैं मम्मी को पहले ही बोल के रखता था कि मम्मी फोन आया ना तो बोल देना, वो तो रात भर पढ़ रहा था, मान ही नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ सो जा, तू भी सो नहीं रहा, तू ही समझा। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोल देना। तो जैसे ही फोन उठाती मम्मी फट बोल देती, देखे ना बेटा, बोलेगी आंटी मोहित है क्या, तो मेरे को पता कि अरे बेटा वो तो मान ही नहीं रहा, रात भर पढ़ रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ सो जा तो भी सो नहीं रहा है, बेटा आप समझाओ ना उसको, ऐसे तो आंखें खराब हो जाएगी। भाई साहब जिसने अपने को परेशान करने के लिए फोन करा हो वो फोन रख देता, उससे सहन ही नहीं होती ये बात, और खुद परेशान हुआ हुआ घूमता, समझ में आ गई। तो अपने को किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने जो सोचा है वैसे काम करो अपने। देखो मेरी बात सुनो, आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, ये गलत फहमी है कि वो ज्यादा सोच, नहीं, हर आदमी अपने लिए, आप अपने लिए सबसे बेहतर सोच सकते हैं। आपके घर वालों के काम ये चीज आएगी कि आप डॉक्टर बनते हो या नहीं बनते हो, समझ में आ गई। दूसरा क्या कर रहा उससे ज्यादा मतलब मत रख मेरे बच्चे, नहीं तो क्या होता, तेरी 5 दिन एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और फिर तू 6ठे दिन तेरे को लगेगा नहीं यार अपन तो पढ़े, पर तेरे वो जो 5 दिन है वो तेरे को तकलीफ देंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस से जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो करते जाओ, जो नहीं हो रहे आप पूछो। ओके चलो, अब देखो सर वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसने आपको ये सोचने पे मजबूर करा कि हाँ यार इन्होंने कोरोना काल में खुद पढ़ नहीं पाए बच्चे, तो उनको थोड़ा सा मेरे को आज पढ़ाने की जरूरत है। तो पहले मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं और फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे होमवर्क। ठीक है, स्लाइड नंबर 5 पे मैंने वो क्वेश्चन लिखा है, तो ये देखो ये है वो क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था। अब अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये होमवर्क समझ लो आप, तो चलो ये होमवर्क है। ठीक है, ये लोग का होमवर्क था, इसकी वैल्यू पूछी। अब आप देखना बच्चों
कंसेप्ट अगर खराब होते तो कैसे अपन अपने को तकलीफ होती है। तो यह देख रहा हूं, अब बच्चा मेरे को एक सॉल्यूशन भेजता है कि सर इसको आपने ऐसे किया, 6 को 2 इंटू 3 लिखा, सर आपने 6 को 2 इंटू 3 लिखा और आपने इन दोनों को अलग कर दिया log m इंटू n से log m प्लस log n, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, या इसको यूं मत कर, रुक जा, है ना, छोड़। तो ये मैं तो ये बता देता हूं उसने क्या करा इसमें। फिर वो मेरे को log 3 बाई log 2 करके, और वो log, ये देख यार, ये ले, मेरा एम अभी सोल ये तो करवा दिया ना बेटा मैंने लास्ट टर्न पे, ये देख, log m सर प्लस log n लिखा, ये ले बस। फिर इसको याद है मैंने बताया था क्या, तो सर ये तो वन करा था आपने, और इसको log दोनों पे सेम बेस लगा के अपॉन में लिख सकते क्योंकि सर 2 को 3 में, 3 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन log बेस 2 और 3 की बेस 10 पर वैल्यू पता है। तो ये लिख के सर यहाँ पे वैल्यू रखी थी आपने, 1 प्लस 0.48 लगभग और 0.30 लगभग, और सर आपने सोल्व करके 1.6 और 2.6 आंसर आ गया, ठीक है। तो सर ये, पर सर मेरा आंसर अलग आ रहा, मैंने पूछा बेटा कैसे, तो बोला सर ये सही नहीं है क्या, एक बच्चे ने मेरे को बोला 2 की पावर 3, क्या बोला उसने मेरे को, सर ये सही नहीं है क्या, 2 to the power 3 नहीं लिख सकते कैसे इसको। बेटा मैंने तेरे को स्टोरी सुनाई तो थी, मैं डरता हूं इस 2 की पावर 3 से, ठीक है, अगर मैं भी मेरे साथ जैसा ट्रीटमेंट हुआ वैसा तेरे साथ कर लिया तो तू भी डरने लगेगा, ठीक है, पानी आग और 2 की पावर 3 को देख के डर लगने लगेगा तेरे को, समझ में आ गई। डॉक्टर बोलेगा बेटा आपको पानी आग और 2 की पावर 3 फोबिया है, ठीक है, इनसे दूर है, ठीक है। तो बेटा ये 2 की पावर 3 कैसे लिख देगा 6 को, तो ये डाउट देख के मेरे को लगा वास्तव में बेसिक बताने की जरूरत है। तो 6 इज नॉट 2 की पावर 3, इट इज 2 into 3, 2 into 3 और 2 की पावर 3 में बेटा अंतर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने मेरे को परेशान करा कि यार वास्तव में बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों को। देखो बच्चों, सबकी प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन बेसिक क्लियर करते हैं, बेटा सॉरी फोन ऑन रह गया, इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं, तो अपन बेसिक की बात करते हैं, ठीक है, चले आगे। तो देखो अब बेसिक की बात करने से पहले थोड़ा सा लोग का होमवर्क खत्म कर लेते हैं अपन, क्योंकि अगर होमवर्क पेंडिंग रहता है, बैकलॉग इकट्ठा होता है बच्चों, तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो होमवर्क देख लेते हैं। तो ये मेरे पास अपनी पिछली नोट्स की मैंने पीडीएफ ले ली, तो देखो मैंने जो होमवर्क दिए थे बच्चों, पहले वो लास्ट वाले होमवर्क डिस्कस करता हूं, होमवर्क डिस्कशन, ठीक है, होमवर्क देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था log बेस 2 x²-14 इज इक्वल टू 1, दिस वॉज द आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा, तो याद है मैंने बताया था इसको जब उधर ले जाते तो वो पावर में चला जाता है, तो इट वुड बी x²-14 इज इक्वल टू 2 to the power 1 एंड x² इज इक्वल टू 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 और प्लस 14, तो मैं बोलता बच्चों ये 16 बन जाएगा, ये 14, तो यहां से x² इक्वल टू 16 और x इक्वल टू बच्चों +-4। हेलो, ये भी अभी मैं बेसिक में बताऊंगा, कई बच्चे यहां पे x² = 16 को x = 4 लिख के आ जाते हैं फटाफट कि सर x = 4 ही तो आएगा, 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, क्यों, -4 का स्क्वायर 16 नहीं होता है। इधर देखो 4 रखूंगा तो भी स्क्वायर 16 होगा, और यहां -4 रखूंगा तभी तो स्क्वायर 16 होगा। तो बेटा दो सॉल्यूशन आएंगे, 4 और -4, ये भी अभी मैं बेसिक में लूंगा, क्लियर है। तो ध्यान रखना ये बच्चों, x² = 16 के 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि इसमें पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो +4 और -4 बच्चों, x² = 16 का ये मतलब नहीं होता कि x√16, ये गलत है, आपकी सोच गलत है, ये दिस इज रॉन्ग। तो सर x² = 16 में x = ±√16 होता है, ध्यान रखना x² = 16 का मतलब होता है x = ±√16, जब भी रूट करते हो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 सॉल्यूशन आते हैं बेटा। चलो और बताऊं तेरे को, तो एक काम कर, यूं कर ले, इधर से देख, एक और तरीका देख, x²-16 = 0 कर दूं इसको, अब इसको a² और इसको 4 का स्क्वायर लिख दूं। ए बच्चे और तरीके बता रहा हूं बेटा, खूब तरीके अपने पास, मेरा तो मैथ थी बेटा, जेई की तैयारी करता था मैं, जेई में ए बेटा यूं मत समझ, जेई में 1691 रैंक थी स्क्रीनिंग में, ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो ज्ञान है ना, तो वो देख, वो लेके जा, है ना। तो यहां से x - 4 बेटा a²-b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b, पढ़ा था 10th क्लास में, a+b इंटू a-b, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x - 4 + x + 4 = 0, ओके। तो यहां से आ जाएगा बच्चों x = 4, -4 आ गए, और यहां से भी देख, अगर तू प्लस माइनस लिखता तो यहां जल्दी आ जाएगा, इतनी रामायण नहीं करनी पड़ेगी, ये आ गया प्लस माइनस
रूट 16 इज 4। हेलो, वापिस देख, इधर देख, ये अपन ने सोल्व किया, यहां पहुंच गए, यहां तक सब पहुंच गए, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 16 के दो सोल्यूशन होंगे, क्योंकि पावर 2 है तो दो सोल्यूशन आते हैं। अगर x बराबर, अगर सिंगल पावर है तो एक आएगा, x माइनस 1 बराबर 4 होता तो x बराबर 5 आता है, सिंगल सोल्यूशन। तो यहां दो सोल्यूशन आएंगे। अब दो समझने के तरीके हैं कि एक्स स्क्वायर का रूट करते तो प्लस माइनस आता है, ये प्लस माइनस इंपॉर्टेंट। हेलो, ये आज बेसिक मैथ में सब चीजें कवर कर लेंगे अपन, इंपॉर्टेंट प्लस माइनस आता है, ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका, एक्स स्क्वायर बराबर 16 को 16 उधर भेज के इसको इसके दो पार्ट कर दे, फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 16, 16 चार का स्क्वायर हो गया, एफ 16 चार, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 4 और 4, क्लियर है क्या? ठीक है सर, तो ये अपना होमवर्क था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 देख बेटा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या था, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे अपन, ये लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर बराबर 4, बस तो हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये फिर से वही यहाँ चला जाएगा, तो 10 की पावर 4, तो अगेन दो सॉल्यूशन आएंगे, तो एक्स बराबर, अब थोड़ा सा लिख दो प्लस माइनस, बेटा आप कंसेप्ट क्लियर है ना, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 10 की पावर 4, और आपको पता है इधर देख 10 की पावर 4 की पावर 1/2 हो जाएगा रूट, और कल बताया था मैंने पावर की पावर मल्टीप्लाई होती, देख एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ए पावर की पावर, तो देखो पावर की पावर बता रहा हूं पहले, पावर की पावर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 × 3, ओके, तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, या यूं समझ ले इसको तीन बार लिख दो, देखो दो तरीकों से बता रहा हूं, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई लिख दो, पावर की पावर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकता हूं, इसका एक और तरीका देख, एक तरीका तो ये हो गया, एक और देख, एक्स की पावर 2 तीन बार है ना, अरे बेटा एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर, तीन बार लिख दू बेटा, तीन बार लिख दू क्या मेरे बच्चे? हेलो, एक बार तो मालूम है, एक लड़के के घर पे, मतलब एक लड़का था, वो मेडिकल की तैयारी करने के बाद उसके घर पे एक रिश्ता आया, एक बहुत खूबसूरत सी लड़की का रिश्ता आया, ठीक है भाई साहब, लड़के वाले को लड़की पसंद आ गई, मतलब जो लड़के के घर वाले थे उनको भी लड़की पसंद आ गई, और लड़की के घर वालों को भी लड़का पसंद आ गया, है ना, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, ठीक है। उसने भी नीट की तैयारी की थी, ठीक साहब, फिर वो होता ना लास्ट में भाई, लड़के लड़की को भी एक दूसरे को पसंद आने चाहिए, तो वो बातचीत करके देखते, तो देखने करने में तो सब एक दूसरे को पसंद आ गए, बोले कि आप 10 मिनट ऊपर जाके बात करिए आओ, ठीक साहब। तो लड़के लड़की दोनों बात करने के लिए गए, तो लड़की बड़ी जबरदस्त खूबसूरत, लड़का सोच रहा शादी हो जाए बढ़िया इससे, तो लड़का तो बेचारा क्या क्वेश्चन पूछा, लड़की ने पूछा कि मैं आपसे शादी एक शर्त करूंगी, बोले बोलो, तो बोले उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक्स स्क्वायर की पावर 3 की वैल्यू बताओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर पावर 3 की वैल्यू, ठीक है, या ये पूछ लिया, चलो जा, हाँ ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की पावर 3 की वैल्यू बताओ, अगर ये तुमने सही बता दी तो मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगी, ठीक सा। लड़का खुश, यार अब तो अपनी शादी इसी से होगी, ये तो मैं बता दूंगा, और उसने बोल दिया एक्स की पावर 5। लड़के ने फिर भी एक मौका दे, बोले कैसे, तो लड़के ने बोला वेरी सिंपल, क्या बोला लड़के ने, वो भी उसको देख के वेरी सिंपल, तो बोले कैसे वेरी सिंपल, तो बोले बस ये पावर 2 है और ये पावर 3 है, तो दोनों ऐड होके 5 हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों पावर की पावर ऐड कर दी तुमने, वो पावर की पावर कब ऐड होती है, जब बेस सेम के साथ तीन चीजें मल्टीप्लाई हो, जब तीनों चीजें मल्टीप्लाई होगी बच्चे तो पावर ऐड होगी, 2 + 2 + 2 = x^6, समझ में आ गए, जैसे देख 2 की पावर 3 × 2 की पावर 5, हाँ अब आप क्या है 5 + 3 करोगे, अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि बेटा ये सेम बेस के साथ ही है, तो पावर 8 हो जाती है, 3 + 5, ये 2 की पावर 8, समझ में आ गई क्या, क्लियर है। तो बेटा बेचारे की शादी होते होते रह गई, तेरे साथ ऐसा नहीं हो मेरे लाल, तो ये ध्यान रख, ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो देखो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये भी अपन उसमें देखेंगे, हाँ
तो यहां पे आ जाओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा आंसर, तो x इक्वल टू आ गया बच्चों प्लस माइनस 10 की पावर 4 की पावर 1 बाई 2। जैसे जैसे बेसिक में चीज आती जाएगी अपन सीखते जाएंगे, और अभी ये 100, तो ये 10 की पावर 2 बचा ना यहाँ, और 10 की पावर 2 इज 100, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 100। तो दो सोल्यूशन आए, प्लस 100 और माइनस 100। आप चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो, इधर देख, इधर देख, यहां से मैं लिख दूं बच्चों 1, 2, 3, 4, 0, ये 10 की पावर और का रूट। अब कई बच्चों को रूट में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी देख लेंगे अपन, तो इसका रूट आ जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर बन जाएगा ना अंदर, ठीक है, और वो पावर 1 बाई 2 बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब ये तो आपके बेसिक जितने मजबूत होंगे, ठीक है सर। तो सर ये समझ में आ गया, 10 उधर ले जाएंगे, पावर 4 में चला गया, तो 10 की पावर 4 हो गया, फिर दोनों तरफ रूट लिया तो दो आंसर आएंगे, प्लस और माइनस दोनों, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था। अब आ जाओ ये बहुत आसान थर्ड क्वेश्चन, ये देखो थर्ड, लॉग बेस 9 3 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन था, तो मैं इसको लिख दूं लॉग, और ये तो 3 की पावर 2 बन रहा है ना बेटा, 3 इज, तो ये थर्ड का आंसर देखो, तो यहां से देखो, तो यहां पे पावर 2 है बेस की, तो इसको आगे ले जाऊंगा तो 1 बाई 2 बन जाएगा, याद करो बेस की पावर जब आगे आती है तो बच्चों 1 बाई 2 बन जाएगा, तो 1 बाई 2 लॉग 3 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, खत्म, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, कल बताया था सेम सेम, ये सेम सेम नहीं, सेम सेम, मैं सर और शर दोनों सही बोल लेता हूं, ठीक है। तो ये तो बच्चों अगर आप चाहते हो जो लड़की देखना है इससे शादी हो तो थोड़े से बेसिक मजबूत करो, ठीक है सर। हाँ अब आ जाओ बच्चों 16 ये दिया था, अब देखना ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शानदार क्वेश्चन थे, कई बच्चों से नहीं होंगे, शानदार। 8 16 इज इक्वल टू व्हाट, अब बच्चे को क्या होता है, ऐसा लगता है मैं 16 को 8 की टर्म्स में लिख दूं, और ऐसा लगता है 8 into 2, बेटा 8 into 2 करने से होगा क्या, समझ में आ गई। तो देखो 8 और 16, न 16 को 8 में कन्वर्ट कर पा रहा हूं मैं, न 8 को 16 में, हाँ अगर यहां 64 होता तो 8 का स्क्वायर बन जाता, अगर 16 की जगह 64 होता तो मैं 8 का स्क्वायर बना देता, लेकिन अभी तो मैं मजबूर हूं, मेरे हालात ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है, ठीक है, तो हमारे हालात ऐसे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, न 16 को 8 बना पा रहे ना 8 को 16, हाँ लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये 8 और 16 दोनों 2 में आते हैं, 2 2 4 8 16, मजा आ गया, दोनों अगर 2 में आते क्यों ना दोनों को 2 की पावर बना दी जाए तो सेम सेम बन जाएगा, क्यों ना दोनों को 2 की पावर बना दी जाए, तो आ जाओ दोनों को 2 की पावर बनाएं, तो यहां आ जाओ बच्चों लोग 8 को बना दो 2 की पावर 3 और 16 को बना दो 2 की पावर 4, देखो 2 मैंने कहा था ना, ए रटे मत, 2 4 8, तीसरी बार में आ गया, 2 4 8, 2 4 8, तीसरी बार में आ गया, तो ये 2 की पावर 3, तो 8 तो हो गया 2 की पावर 3, 16 को गिनते 2 4 8 16, 2 4 8 16, चार बार में आया तो 2 की पावर 4, तो 16 बन गया 2 की पावर 4, 8 बन गया 2 की पावर 3, इसको आगे ले लो, तो ये पावर देखो ऊपर वाली पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में और नीचे वाली पावर आ जाएगी डिवाइड में, ओके, तो यहां आ जाएगा 4/3 लॉग 2 2, और ये बन जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 1, आंसर इज 4/3, क्लियर है, ये 4/3, हेलो समझ में आ गई। तो कई बार ऐसा होता है एक दूसरे में तो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे लेकिन दोनों सेम चीज की पावर बन जाते हैं, जैसे 8 और 16 दोनों 2 की पावर बन गए, तो सर मजा आ गया। अगला क्वेश्चन करके बताओगे तुम, चला जाओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और दिया था, मैंने इसीलिए दिया था, मैंने कहा अगर होमवर्क में उलझो तो एक में करूं तो फिर हो जाए तुम्हारे से, बेटा उलझेगा तभी तो सुलझेगा, ठोकर खाएगा तभी तो सीखेगा, सर हम तो ठोकर भी खाते हैं और सीखते भी नहीं है, सीखता तो वो पत्थर है कि यार इसके ठोकर नहीं मारनी, बड़ा गिरा हुआ है, हाँ इधर देख बेटा सीख रहे मेरे लाल, नो 27 इज इक्वल टू वो, सीखने से एक बात याद आई, एक बच्चा था उसको मैं बहुत समझाता था बेटा सीख ले रहे सीख ले रहे, एक बार क्या हुआ यहाँ पे एक कोका करके हमारे कोटा में क्या होता है, एक कलेक्टर साहब ने प्रोग्राम कराया था कोका जबरदस्त था, कि बच्चों को क्या है, देख क्या होता है बच्चे पढ़ते 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 एक ही एक चीज करते हुए बहुत बोर हो जाते हैं, तो रिक्रिएशन बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना, आप खुद सोचो अगर आप बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, लॉन टेनिस कुछ भी व्हाटएवर आपकी हॉबी, डांस अच्छा करते हैं कई लोग, तो आपकी कुछ हॉबी होती है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है जो आप करना चाहते हो,
तो आप जैसे मान लो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, तो आप अगर मान लो एक बैडमिंटन का मैच खेल के आ जाते हो, या एक टेबल टेनिस का मैच खेल लेते हो, या 15 मिनट 20 मिनट डांस कर लेते हो, गाने सुन लेते हो, तो आपकी पढ़ाई में कितना अच्छा मन लगता है। इसको बोलते हैं रिक्रिएशन। ठीक है, आप सेम काम करते करते बोर हो जाते हो तो लाइफ में चेंज की जरूरत होती है, तो वो चेंज लेना चाहिए। कई बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं मैं तो खेलूंगा नहीं, मैंने कसम खाई। अरे बेटा क्या कसम खाई है? कसम खाएगा तो बेटा तू जब पढ़ रहा होगा ना तो तेरा कंसंट्रेशन उतना बनेगा ही नहीं, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपकी परफॉर्मेंस तगड़ी आएगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी, देख बेटा तू 3 घंटे किताब कॉपी खोल के बैठा रहे, आउटपुट आधे घंटे का ही आएगा अगर तेरी कंसंट्रेशन में कमी है तो। तो बेटा इससे तो अच्छा ये है कि तू 1 घंटे घूमिया खेलिया पिया कुछ भी कर ले, लेकिन 2 घंटे फिर ढंग से पढ़, वो आउटपुट बहुत तगड़ा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, रिक्रिएशन जरूरी होता है लाइफ में। समझ में आ गई? तो आप थोड़ा थोड़ा रिक्रिएशन करते रहो। ठीक है ना, तो मैं कोई बात बता रहा था, फिर वो बात चला जाओ, अभी अपन ये देखते हैं। तो 9 है ना और 27, तो मैं यहां पे लिख दूं बच्चों, ये डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो 27 को 9 में और 9 को 27 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो आप। हेलो, 27 को 9 में और 9 को 27 में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको पता पड़ रहा है, मैंने बताया था 3 की पावर कौन आ रहे हैं, 3, 9, 27, तो 3 की पावर 2 9 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। और बस मैं तो यही चाहता हूं कि सेम सेम बन जाए। ठीक है सर, ओके, तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है लोग, हाँ ये 3 की पावर 2, हाँ वो जो मैं बात बता रहा था अभी याद आ गई। तो वो क्या है बच्चों, तो वहां कोका प्रोग्राम कराया, सुनना ध्यान से। तो मैंने बच्चों को बोलता था बेसिक पढ़ो बेसिक, कई बच्चे सुधर जाते, कई बच्चे नहीं मानते। ठीक है, लोग ढंग से कर ले, बेसिक मैथ ढंग से नहीं मानते। ठीक है, एक तो वहां पे भयंकर भीड़ थी। ठीक है, तो अब मैं बच्चों के साथ वहां गया। ठीक है, तो अब वहां पे क्या है, बहुत इतनी भीड़ थी कि आप कुछ खाने पीने का ले ही नहीं सकता। वो बच्चे रो रहे मेरे कि मेरे को तो ये खाना है, मोमोज खाना है, फलाना खाना है। तो मैंने कहा बेटा इतनी भीड़ में तो मोमोज कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं वहां आगे पहुंच पाऊं, क्योंकि बच्चों की भीड़ बहुत थी। जितने एक लड़का निकल के आता हाथ में मोमोज की प्लेट लिए हुए और मेरे आके धोक देता है, सर। मैंने कहा हाँ बेटा आप, तो बोले सर ये लो मोमोज खाओ। मैंने बोला बेटे आप कौन, कैसे क्या, मैं समझा नहीं। तो अब यार इतने स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं ध्यान आता और बहुत पुराना स्टूडेंट, तो बोले सर मैं आपका लाल आपसे, जैसे वो अभी बात है ये पिछली 2018 की, तो बोले सर मैं आपका लाल, मैं आपसे 2016 या 15 का कुछ बोला था, उन्हें 2015 में पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा बेटा यहाँ, तो बोले सर ये मोमोज का थैला अपना ही है। ठीक है, उनने मेरे को एक प्लेट मोमोज ला के दिए कि सर ये लो चखो सर, ये मोमोज का थैला अपना ही है। अब मेरे को अंदर से, अच्छा बच्चे डिमांड कर रहे थे मोमोज की, तो मेरे तो अलग खुश हो गए कि यार मोमोज मिल गए, पापा नहीं ला पाए लेकिन पापा के पास चल के मोमोज आ गए। मेरे समझ में नहीं आ रही, अच्छा वाइफ खड़ी वो हंस रही मेरे को देख के, मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि उसने जो मेरे को मोमोज की प्लेट दी उस प्लेट को हाथ में पकड़ के मैं हंसू या रोऊं। समझ में आ गई, ऐसी सिचुएशन हो गई ना, हंसने का रहा ना रोने का। समझ में आ गई, खुश इस बात से होंगे यार चलो मोमोज आ गए, और यूं सोचू तो वो कह रहा है सर मैं आपका स्टूडेंट अपना ही थैला है। अरे तो भाई ऐसा क्या पढ़ाया मैंने जो अपना ही थैला है। समझ में आ गई, तो अब मैं क्या क्या करूं, मेरा रिएक्शन ही समझ में जा रहा, मिला जुला रिएक्शन आ रहा। और वो पड़ोस में घड़ी घड़ी हंस रही, देखो आपके बच्चे। समझ आ गई, तो कई बार क्या होता है बच्चों, इंसल्ट आपकी नहीं होती, इंसल्ट हमारी होती है। अगर आप अच्छा करते हो तो तारीफ हमें मिलती है, और आप बुरा करते हो तो इंसल्ट हमारी होती है। ठीक है बेटा, तो मेरा भविष्य तेरे हाथ में है, अगर तुम हो तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। समझ में आ गई, तो तुम बढ़िया करोगे तो हमारा नाम होएगा। तो हम स्वार्थी हैं, स्वार्थी नहीं स्वार्थी। समझ में आ गई, तो आप अच्छा करो हम खुश हो जाएंगे बेटा, यू आर आवर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई, मार्केट में हम कैसे नजर आएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, मार्केट में हम कैसे नजर आएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, हमारी सूरत मार्केट आपके अंदर देखेगा। क्लियर है, तो खुद के लिए नहीं पढ़ा, मेरे लिए पढ़ ले बेटा, मतलब हमारे लिए पढ़ ले, मेरे लिए, हम सबके लिए पढ़ ले। ठीक है, हाँ तो बेसिक क्लियर कर ले। ठीक है, फिर बाद में जोश खाने से कुछ नहीं होएगा। तो यहां 9 3 की पावर 2, ओके बात ही भूल गया मैं। ठीक है, 9 3 की पावर 2, 27 3 की पावर 3। अब देख मेरे बच्चे, तो ये पावर आगे ले लूं, ये पावर इधर ले लो, तो दोनों पावर आगे आ जाएगी। तो 3 आगे आ गया इधर मल्टीप्लाई में, 2 आ गया डिवाइड में, और फिर लोग बेस 3 3 बच गया और ये वैल्यू 1 हो गई। तो आंसर इज अगेन 3/2 × 1 3/2। आनंद आया क्या? तो कुछ मत कर, सेम सेम बना दे। ठीक है, क्लियर है सर। हाँ फिर और क्या क्वेश्चन दिया था बच्चों, एक भारी क्वेश्चन दिया था, लोग 9 बेस 8। हेलो, लोग 9 बेस 8, अगर 4 ऑप्शन होते तो मैं बोल देता 1 से थोड़ा सा ज्यादा। सर कैसे, अगर दोनों 8 8 होते तो 1 आता,
और 8-9 है ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा है तो 1 से थोड़ा स्लाइटली ज्यादा आएगा। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो, इसको भी देखो 3 की पावर और 2 की पावर, लेकिन इस बार दोनों सेम की नहीं बनेगी, 8 बन जाएगा 2 की पावर 3, 9 बन जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा भारी है ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख बेटा। अब इतने क्वेश्चन ठीक है तेरे से होए, ठीक नहीं तो मैं तो तेरा सिर्फ माइंड चलाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। 2 की पावर 3 और 9 को लिख दू 3 की पावर 2। देखो 3 और 2 में तो मैं कंफर्टेबल हूं, क्योंकि मुझे पता है लॉग बेस 10 पे भी इनकी वैल्यू याद है मेरे को। ठीक है, ये 2 आगे ले लिया और ये 3 आगे ले लिया, तो यह आ जाएगा 2/3 लॉग 3 बेस 2। अब देखो 3 बेस 2 को मैंने क्लास में कराया था, तेरे को याद है वो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लॉग बी ए, बी बेस ए को मैं लॉग बी बाई लॉग ए लिख सकता हूं विद सेम बेस सी। याद आया, बेस तू तेरी मर्जी से लगा सकता है लॉग बी बाई ए करके, तो बस वही यहां करूंगा मैं 2/3 और आई लाइक लॉग बेस 10 विथ 3 एंड 2। सर ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो ये देख मजा आ गया। तो ये आ जाएगा बच्चों, बेटा जितना ज्ञान चाहिए ले जा, लेकिन अपने को उतना ही ज्ञान लेना है जितना हमारे काम आए। ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेते तो वो ढुलने लगता है ना, एक मटके को ज्यादा भरोगे तो ढुलने लगता है, और कई बार काम की चीजें बाहर निकल जाती है, मटके में कुछ चीजें काम, तुलसी के पत्ते बाहर निकल, नहीं तो उतना ही भर जितना तू संभाल सके, है ना, उतना ही लोग पढ़। तो ये काटा तो ये 1.6 आ जाएगा, देखते हैं। तो ये 1.6 इंटू 2 3.2 16 का दरअसल 3, तो ये देख लो कितना आ रहा है 1.08 के करीब, 18 2 फिर 8 8, है ना ये। हेलो, ये देख लेना आपने तो 1.09 के करीब लिख दे जो भी है, ठीक है, तो 1.09 के करीब। मैंने कहा था ना 1 से स्लाइटली ग्रेटर आएगा, मेरे को तो यही पता पड़ गई थी, 9-8 से थोड़ा सा ज्यादा है, सेम सेम पे 1 आता है, दिमाग लगा टीटू। सर समझ में आ गया, अरे बेटा यार क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना, लोग ऐसा थोड़ी से इसीलिए रट लिए। हाँ फिर अगला क्वेश्चन, ये तो 7 हो गया, अगला 8 देख, क्वेश्चन नंबर 8 देख, होमवर्क का ये होमवर्क ही चल रहा है बच्चों। हाँ बेटा, शुरू शुरू में अगर एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना तो भगत सिंह बड़ा बड़ा घूमेगा, ठीक है, लॉग बेस 10/5 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो बच्चों 5, लेकिन मेरे को बेस 10 है तो मैं 10 बनाने की कोशिश करूंगा, 5 को 10 बनाया जा सकता, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो। सर उस डिवाइड का क्या करोगे, अरे लॉग m / n लगा दूंगा मेरे बच्चे। अब तू ये सोचे कि मैं 5 को 2 की पावर बना दू, 3, संभव नहीं है, 5 किसी की पावर में नहीं आता, ठीक है। तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप तो एक काम करो, आपको जैसा अच्छा लग रहा है 5 में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, तो ये बन गया बच्चों लॉग बेस 10 10/2, एंड दिस इज लॉग बेस 10 10 माइनस लॉग बेस 10 2, तो यहां से लॉग बेस 10 10 1 आ गया, माइनस ये आ जाएगा 0.3010, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.7 के करीब, तो इसको 0.3 लिख दो। ए मेरे बच्चे क्यों ज्यादा इमोशनल होता है मेरे लाल, इमोशनल बच्चा लास्ट में नहीं, तो यहां से 1 माइनस 0.3, ठीक है, इमोशनल मत हो मेरे बच्चे, जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं, ठीक है, तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो ये, और वैसे भी लॉजिकली 1 से कम आना चाहिए था, ये 10 है, ये 10 से कम है ना मेरे बच्चे, तो अगर ये 10 होता तो 1 आता, 1 से कम आएगा। हेलो, ठीक है सर, क्या समझ आ रही है? यस सर, तो ये उम्र था। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, H प्लस कंसंट्रेशन दी थी, ऐसा तेरे केमिस्ट्री में काम आता है। तो यहां पे देख क्वेश्चन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये H प्लस कंसंट्रेशन कितनी दी थी बच्चों, 2 × 10⁻⁵ मोलरिटी, 2 × 10⁻⁶, तो पीएच पूछी थी, तो याद है पीएच का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, मैंने भी किताब में देख के, हाँ एन एच प्लस कंसंट्रेशन, ओके हाँ, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये फॉर्मूला होता, फॉर्मूला लगा मेरे को तो लोग से मतलब है, तो यहां से 2 × 10⁻⁵, ठीक है, तो अब यहां से अलग अलग कर दे, ए बेटा माइनस साइड में रख, मैंने कहा ना माइनस परेशान करता है, अलग अलग रख, तो ये लोग देखो 2 भी पता है मेरे को, 10⁻⁵ में पावर भी आगे ले सकता हूं, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10 की, तो बच्चों 2 अलग कर दे, क्योंकि बेस 10 पे 2 की वैल्यू भी पता है, और 10⁻⁵ में भी पावर आगे ले लेगा, तो 10 बन जाएगा ना। तो ये देख, तो ये तो तेरे कॉमन क्वेश्चन है जो खूब पूछा जाता है, लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10
10 की पावर माइनस 5, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, log m इंटू एन, log m इंटू एन इज log m प्लस log n। अरे बेटा पढ़ाई में लग जा, टाइम पास मत कर, फटाफट टॉपिक कर, बेसिक मैथ में कितना टाइम खराब करेगा, समझ में आ गई, जितनी जल्दी बेसिक मैथ करेगा उतना फटाफट टॉपिक पढ़ेगा, नहीं तो क्या है लंबे लंबे वीडियो भी देखेगा और पता पड़ा कोर्स भी आगे नहीं बढ़ रहा, ये नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई, चीजें पढ़ो और फटाफट आगे बढ़ो, इनसे इतना टाइम थोड़ी खराब करना बेसिक मैथ में। हाँ छोटी छोटी बातें हैं तो बहुत काम आएंगे कम कम, तो 0.3 हो गया ये, अरे 0.23010 की जगह 0.3 लिख रहा हूं ना बेटा, चल एक बार 0.3010 लिख देता हूं, फिर अप्रोक्सीमेशन में देख लेंगे 0.3010 2 की वैल्यू, इससे क्या तेरे को पहचान में आएगा इसकी वैल्यू रखी, और ये पावर आगे ले लूंगा तो माइनस 5, देख इस माइनस को अलग रख, हाँ अब चाहे तो माइनस को अंदर ले ले, आ जा कितना गया, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों देख जगह के अभाव के कारण यहां लिख रहा हूं, तो यहां से देख बेटा तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर भेज दिया तो आ जाएगा 5 माइनस ए, ये माइनस अंदर भेजते माइनस माइनस प्लस माइनस 0.3 तो आ जाएगा बच्चों 4.7। दिस इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, यस एसिडिक है, आया आनंद, तो सर ठीक है ये तो लोग का यूज है, हमें लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और अब कभी भी लोग आएगा तो हम कर लेंगे। फिर मैंने तुम्हारे को लोग m into n और m upon n पे और भी क्वेश्चन दिए थे और थोड़े पावर के बेसिक वाले क्वेश्चन दिए थे, देखना ये देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये रोमन नंबर पढ़ने नहीं आता मेरे को तो, हाँ 9, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लॉग बेस 10 5 प्लस लॉग बेस 10 2, तो पहले तो आपको देख के हंसी आई होगी, कह रही है क्या क्वेश्चन है, क्लियर है, तो ये देखो सॉल्यूशन, तो ये देखो लॉग बेस 10, ये लॉग m इंटू n है, तो मैंने कहा ना क्लब कर लो क्योंकि 5 मेरे को परेशान करेगा, अरे या तो 5 को 10/2 लिखो, फिर 10/2 लिखो, तो फिर लॉग m माइनस n कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, पर मैं क्यों ना इसको एक बना के पहले सोचूं ना, मेरे को ये तो सोल्व हो रहा है पर 5 सोल्व नहीं हो रहा, तो मैं एक बना देता हूं, तो मैं बोल दूं इसको बच्चों log m into n हो जाएगा ये 5 into 2, log m plus log n is equal to log mn, हेलो ठीक सर, आ जाओ कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा log base 10 और 5 2 जा 10, तो बेटा आपको हर चीज करके मन में देखनी है कि क्लब करने से क्या आ रहा है, तो 10 आ रहा है ना, और लोग 5 को 10/2 रखने से क्या आ रहा है, तो भी होगा, देखो आप इसको 10/2 जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो, 10/2 तो log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 2 हो जाएगा, और वो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तब भी आंसर यही आएगा बेटा, आंसर अलग नहीं आ सकता, तेरे सोचने का तरीका, तेरा उस समय कैसे दिमाग काम करता है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर, तो ये आ जाएगा 1, आनंद आया क्या सर, बहुत अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता तेरे को कोई प्रॉब्लम बची अब लोग में बेटा, क्वेश्चन करके जो बच्चा क्वेश्चन घर से करके आया, देख होमवर्क तू ये टाइम पास मत समझ, अगर मेरे को ऐसे कराना तो मैं उसी दिन करा देता ना, ये तेरी प्रैक्टिस के लिए दी हमने बेटा, अलग सर इतना ज्यादा मतलब इमोशनल है अपने स्टूडेंट को लेके, उन्होंने साफ बोल दिया सर बच्चों को प्रैक्टिस देना भरपूर, समझना बेटा, उन्होंने साफ नियम कायदे कानून मान दिए, बच्चों को प्रैक्टिस दो सर, और मेरे को उनकी बात बिल्कुल सही लगी क्योंकि बच्चा खुद प्रैक्टिस करेगा ही नहीं तो वो सीखेगा क्या, देखो तमाशा देखना तो बहुत आसान है, फलाना कोई सामने डांस चल रहा है उसकी स्टेप ऐसी हो गई, उनका कोऑर्डिनेशन ऐसा हो गया, ऐसे करते तो वो हो जाता, धोनी अगर यूं मारता तो आउट नहीं होता, छक्का चला जाता, और तुम्हारे को खड़ा कर दिया तो दिख ही नहीं रही बोल, मैं डांस करने के लिए खड़ा कर कल कर लेंगे, फिर खुद से होवे जावे कुछ नहीं, समझ में आई, तो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना निखरेगा, समझ में आ गई, तो चुपचाप प्रैक्टिस कर काम करके ला, देख बेटा मेरी बात सुन, ऊपर से भगवान जब देखता तो 20 लाख लोग भागते हुए दिख रहे हैं उसको नीट के लिए, तू दिखाई तब देगा जब तू भाग रहा होगा, बाकी तो भीड़ खड़ी है, नी काम करने वालों की तो भीड़ खड़ी है, ठीक है, भागेगा तो दिखेगा कि यार ये बच्चा अलग है, बेटा पूरी रेस में जो घोड़ा सबसे आगे होता है वो नजर आता है, उसके पीछे वाले एक दो फिर धुंधले नजर आते, फिर बीच में तो सारे ही होते हैं, किस घोड़े का नंबर तुझे याद रहेगा, जो घोड़ा आगे फर्स्ट सेकंड नंबर पे होगा, उसके बाद किसी का याद नहीं रहता, ठीक है, क्लियर है, हाँ अब आजा अगला क्वेश्चन नंबर 10, log बेस 10 रूट 2, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि रूट 2 पावर 1/2 होती है, मेरे बात हो गए रूट 2 पावर 1/2, आज बेटा तेरे सारे बेसिक क्लियर करके जाऊंगा, हाँ तो ये देख सॉल्यूशन, पहले होमवर्क डिस्कस करो ताकि तुम्हारे को क्रेज रहे होमवर्क करने, हाँ ये ठीक है, तो ये देखो अब ये पावर 1/2 है, ए रूट इज पावर 1/2, और मेरे को 2 तो बेस 10 तो बहुत पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे मेरे को बेस 10 पसंद है, ठीक है, तो यहां से पावर आगे ले लूं,
ये 1/2, ये लॉग बेस 10 2। हेलो, पावर आगे ले ली सर। क्यों ले ली? क्योंकि 2 तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है बेस 10 पे। आ जाओ बच्चों, तो ये 1/2 इंटू 0.3010 ही लिख रहा हूं। ये आ जाएगा कितना बच्चों? 0.15। देखो कई बार बच्चा 0.3 लिख देता है तो उससे डिवाइड ही नहीं होता ढंग से, तो मैं 30 लिख दिया मैंने, ताकि क्या 2 से डिवाइड करूं तो पता 30 को डिवाइड करूंगा 15 बचेगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस बेटा, अगर तूने ढंग से थ्योरी पढ़ ली, क्लास ले ली, तो तेरे को सब समझ आएगा। ठीक है, पावर कैसे आगे लेते हैं, कैसे सेम सेम बनाते। कई बार बेस और पावर वाली दोनों चीजें सेम सेम बन जाती है, कई बार ऊपर वाली चीज नीचे में कन्वर्ट हो जाती है और कई बार नीचे वाली ऊपर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 2 8 है तो 8 को 2 की पावर 3 लिख दूंगा, 9 ऊपर 3 नीचे 9 है तो 9 को 3 की पावर 2 लिख दूंगा। कई बार 8 64 है तो 64 को 8 का स्क्वायर कर दूंगा, लेकिन कई बार 8 16 आ जाएगा तो दोनों को 2 की पावर बना दूंगा, 9 27 दोनों को 3 की पावर बना दूंगा। सर इतना फास्ट रिवाइज करा रहा हूं, ये तो मैंने करा दिया धीरे धीरे बेटा, बार बार थोड़ी तेरे हिसाब से धीरे धीरे बोलूंगा। एक बार चीज समझा दी ढंग से, अब उसका रिविजन। ठीक है सर, आज आप आगे क्लियर है बेटा। जुनून देख, अगर मेरे अंदर जोश नहीं होगा तो तू नहीं पढ़ पाएगा, और तेरे अंदर जोश नहीं होगा तो भगवान नहीं देख पाएगा, और भगवान नहीं देख पाएगा तो बेटा नीट नहीं देख पाएगी। समझ गया? तो आपको अलग नजर आना पड़ेगा। समझ भाई, ऊपर से कम दिखता है भगवान की, वो कम नजर आता है। मैं तेरे को एक बात बता देता हूं बेटा, तो अगर नजर आवाना चाहता है तो हटके काम कर। फटाफटा हटके काम कर रहा सर, आज रात को 8:30 बजे हटके। अरे वो हटके काम नहीं करना है मेरे लाल, पढ़ाई में हटके काम कर। ठीक है, तो ये तो यहां से देखो, प्रख्यात होना है, कुख्यात नहीं होना। ये देखो, ये 3, अब कई बच्चे हैं इसको 3 √3 समझ लेते हैं। अरे मूर्खानंद स्वामी, इस रूट के आगे यहां 3 लिखा है, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट। ये 3 की पावर 1/3 है मेरे बच्चे, दिस इज नॉट 3 √3। कल समझाया भी था मैंने, थोड़ा सा हिंट भी दिया था। चला जा, तो यहां पर लिख दो 3 की पावर 1/3। अब ये पावर आगे ले ले, ये सॉल्यूशन है, पावर आगे ले ले, तो 1/3 आगे ले लिया, लॉग बेस 10 3। हेलो, पावर आगे ले ली ये, और लॉग बेस 10 पे 3 की वैल्यू 0.4 है, मतलब 0.43 है, तो मैं इसको लिख दूं लगभग 0.48, लगभग 0.48। तो यहां से तो 0.16, तो ये लगभग 0.16 है, ध्यान उड़ता पंजाब। ए दोनों स्क्वायर को उड़ता हुआ बनाओ तो लगभग हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, कहां चाहिए एग्जैक्ट 0.4778? वो बेचारे बचा क्या है 0.4771 को, 0.48 बचने में कुछ नहीं, बनने में कुछ नहीं बचा, तो 0.16। और वास्तव में देखो कमी आना, क्योंकि ये 3 की पावर, वैसे 3 बहुत छोटा था, उसकी पावर 1/3 तो और छोटा है, तो 10 के कंपैरिजन में 3 बहुत छोटा है था पहले ही, और फिर 1/3 और हो गया था, वो छोटा मतलब बहुत छोटा, छोटा था, तो 1 से तो बहुत कम आएगा। आगे 0.16। सर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपके ये सारे हो गए डाउट। ठीक है, होमवर्क अब बीच में भी और दिए थे, वो अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आगे भी पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, थोड़ा समय देखते हैं, तो अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बेसिक पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस हुआ, बच्चों ने डिमांड भी करी है कि सर बेसिक क्लियर कर दो हमारा, और मुझे महसूस भी हुआ 2 6 देख के, 2 की पावर 3 लिख दी बच्चे ने 6 को, और बेचारे का रिश्ता चला गया। मेरे को बेसिक से ज्यादा रिश्ते का दर्द है कि मेरा लाल का। हाँ चला जाओ, तो अब अपन करते हैं बेसिक की बातें। ठीक है, अब उससे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों, मैं तुम्हारे को फर्स्ट स्लाइड पाता हूं वापस। तो देखो, तो होमवर्क हमारा हो गया, लॉग हमारा कंप्लीट हो गया। सर लॉग में अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे साउंड लेवल निकालना हो, सब कर देंगे। ओके सर, अब सर वो बेसिक की कोई बातें कर रहे थे, तो बच्चों जहां जहां मुझे लगता है कि फिजिक्स में क्या चीज काम आएगी, देख बेटा अथाह समंदर है बेसिक तो। ठीक है, अच्छा मैंने खुद ने बनाई हुई बेसिक की बातें, कई बार वो बेसिक की बातें मार्केट में घूमती है, तो बच्चों जब मूवियों की कॉपी हो जाती है, पायरेटेड आ जाती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सबको हक है। ठीक है, तो आ जाओ अपन थोड़ी सी जो मैंने खुद ने पढ़ते वक्त, भाई मैं फर्स्ट रैंक बेटा ऐसे ही नहीं आई, मेरी बात को समझना, बहुत मेहनत करी। ठीक है, तो कुछ चीजों को मैंने अपने हिसाब से, किताबों में नहीं लिखी होती, कुछ चीजों को मैंने खुद को अपने हिसाब से मॉडिफाई करा मेरे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, वो मैं आपको देना चाहता हूं। होता ना बेटा, दादी अपनी क्या बोलते हैं सोने के कड़े वगैरह सब मम्मी को दे देती है, क्योंकि दादी को लगता है अब जाने का वक्त आ गया। समझ में आ गई? तो बस सर आप भी नहीं, अरे बेटा मतलब मेरे कहने का मतलब तेरे नीट का टाइम आ गया, तेरे को शस्त्र चाहिए लड़ने के लिए, तो मैं चाह रहा हूं मेरे पास जो है बेटा, जो ज्ञान है थोड़ा मोड़ा, वो मैं तुझे दे दूं, ताकि तेरे वो काम आ जाए। हेलो,
सर श्राप मत दे देना जैसे कर्ण को दे दिया था परशुराम ने, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, श्राप नहीं दे रहा हूँ मैं तेरे को, पहले ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है? कई बच्चे शराब, अरे शराब नहीं श्राप बोला है मैंने, समझ में आ गई? कई बच्चे खुश हो गए, श्राप दो शराब ही दे दो, अरे श्राप श्राप, ठीक है कर्ज, ठीक है सर। तो आ जाओ बच्चों, कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है? ये मेरी आदत है, हमारे बेसिक का हाल चाल मेरे बच्चों के, हमारे मतलब तुम लिख रहे हो ये, है ना? हम है ना, मेरे बच्चों के बेसिक का हाल चाल, ये देखो, ये दिस इज रावण, ये मेरा फेवरेट है रावण, मैं मेरे बच्चों को रावण बोलता हूं, ज्यादातर बच्चों को रावण बोलता हूं। तो कई बच्चे नाराज हो गए, सर आप हमारे को रावण क्यों बोलते हो? सुनना ध्यान से, कई बच्चे नाराज हो गए, सर आप हमारे को रावण क्यों बोलते हो? मैंने कहा बेटा तुम तो यार रावण के तुमने नेगेटिव, वो तो अपने इंडिया में भाई राम ने हराया तो अपन ने वो लास्ट में देख लिया हरा, पर रावण कितना ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी, अरे रावण से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, रावण को जितना नॉलेज होता किसी को नहीं। तो मैंने बच्चों को समझा बेटा रावण को तो बहुत नॉलेज था, तो मैं तो तुम्हें नॉलेज वाला मानता हूँ इसलिए रावण बोलता हूँ। भाई साहब बच्चे की बात समझ में आ गई, बोले यार सर तो बहुत बिल्कुल इमोशनल हो गया, थोड़े से आंसू आंसू से आने लग गए और रुआसा सा हो गया कि यार सर तो हमारे को रावण इसलिए बोलते क्योंकि खूब ज्ञान है। ओ भाई साहब उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर रावण लिखना चालू कर दिया। मैंने बोला क्या रावण क्यों लिख रहे हो? बोले सर हमारे से ज्यादा ज्ञानी तो आप। समझ में आ गई? तो वो अपनी चाले कई बार अपने पे उल्टी पड़ जाती, समझ गए? तो कोई बात नहीं बच्चों, ये हमारा हाल चाल। तो वही 2 की पावर 6 वाला एक डाउट आया था मेरे पास कि सर 6 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या? तो जिसने बोला है ना वो तो ठीक है, उसकी तो गलती थी, ये जो रावण के बाकी के सिर है ये बोल रहे हैं बेटा हमारी क्या गलती है, हमारे को क्यों पिटवा रहे हो? तो बेटा अगर ऐसी कोई बात करेगा, अभी तो चलो बेसिक अपन क्लियर कर रहे हैं, पर बेसिक क्लियर करने के बाद भी ऐसी कोई बात करेगा तो बच्चों वो पिटाई तो खाएगा। तो ये रावण के बाकी के 6 सर, ये कितने होते 10, 9, 8 सर, ठीक है? बाकी के सर बोल रहे हैं हमारी क्या गलती है, हमारे को क्यों मरवा रहे हो, ठीक है? तो हाउ टू इंप्रूव, अब देखो बच्चों कोई बात नहीं, हमारा बेसिक बिगड़ा हुआ उसको इंप्रूव कैसे करें? तो उसको इंप्रूव करने के लिए बेटा आपको कुछ स्टेप लेनी पड़ेगी, वो भी मैं बता रहा हूं, है ना? उसमें सर आपका योगदान, सर आपका योगदान, बेटा हमारा योगदान रहेगा, सर आपका क्या योगदान है? ये आज के पॉइंट है जो हमें कवर करना है, हमारे बेसिक का हालचाल, हाउ टू इंप्रूव दैट, एंड सर इसमें आपका योगदान, सर आपका योगदान, ओके, और फिर धन्यवाद कहेंगे लास्ट में, थैंक यू वाली स्लाइड आएगी, ठीक है? तो ये हमारे आज के गोल है या टॉपिक टू बी कवर्ड, ओके। अब देखो बच्चों आपके जो स्टेटमेंट है ना, जो अभी आ रहे हैं और कुछ अभी आ रहे हैं कुछ आएंगे, सॉरी सर फॉर्मूला याद नहीं रहा, आप टेस्ट दोगे हमारे पीडब्ल्यू के, मालूम पड़ा? मैंने पूछा बेटा तेरे ये नंबर क्यों कट गए? सर सॉरी फॉर्मूला याद नहीं रहा। बेटा ऐसी बातें मत करना, नहीं तो 200 मुंह मार खाएंगे, तब ध्यान रख लेना, ऐसी बातें मत करना, फॉर्मूला याद नहीं रहा आज के बाद, नहीं रहा तो आप याद कर लेना, तो तेरे को अभी बोल रहा हूं मैं, सर फॉर्मूला याद नहीं रहा, ये बात वापस नहीं होगी आज के बाद, ठीक है? सारे फॉर्मूले जो याद कर, देख बेटा मेरी बात सुन, ठीक है फिजिक्स में लॉजिक भी लगता है, फिजिक्स में दिमाग भी लगता है, फिजिक्स में कैलकुलेशन भी होती, सब होता है, लेकिन फिजिक्स में बच्चों कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है बेटा, फॉर्मूला V = U + AT, तो V = U + AT याद करना पड़ेगा, समझ में आ गई? ठीक है, वहां डिराइव करने नहीं बैठेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = MR² तो आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर है? अब ऐसा F = MA आपको याद करना पड़ेगा, P = MV आपको याद करना पड़ेगा, F = dP/dt आपको याद करना पड़ेगा, τ = dL/dt याद करना पड़ेगा, तो आप बच नहीं सकते, ठीक साहब? रूट लेना नहीं आता, ओ हो सर अंडर रूट लेना ही नहीं आया, बाकी तो सब तगड़ा था सर, सर मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न निकालनी थी, फॉर्मूला याद था सर, आपने कहा था मैंने याद रखा, √μ/rg, ठीक है सर, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे √μ/rg सर, सारी वैल्यू रखी और अंडर रूट आ गया सर 0.64 सर, बस वो रूट नहीं हुआ, क्यों पॉइंट था सर, डर लगने लग गया सर, मेरे √50 आया सर, मेरे से रूट नहीं हुआ सर, √50 कहां से लाऊं? तो बेटा यार ऐसी बातें मत करना, ठीक है? तो रूट नहीं हुआ, क्यूब रूट नहीं पता था, ओहो क्यूब रूट लेना नहीं आता, और क्यूब रूट निकालना थोड़ी कुछ चीजों का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना तो किसी को भी नहीं आता, ठीक है? हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी थी, ध्यान ही नहीं दिया, ओहो ये सब अभी तक मैं तेरे से अभी कर पाऊंगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी थी, ध्यान ही नहीं दिया, वेरी गुड, फिजिक्स पढ़ रहा है मेरे लाल, दो ही तो वेक्टर एंड स्केलर, तो सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है सर? स्फीयर का वॉल्यूम नहीं पता था, ओ माय गॉड, स्फीयर का वॉल्यूम नहीं पता था सर, मास दिया था, डेंसिटी निकालनी थी, रेडियस देती स्फीयर की, सर स्फीयर का वॉल्यूम ही नहीं पता था, बता, ठीक है? तो अब इसमें बेटा मास्टर क्या करेगा? तो बेसिक तो क्लियर करने पड़ेंगे तेरे को सर, कन्वर्ट नहीं कर पाए, ओहो सर इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए,
सर हमारे को 72 किलोमीटर पर आर स्पीड देती थी कार की और 10 सेकंड में डिस्टेंस पूछी थी और सर चारों ऑप्शन मीटर में थे, लेकिन सर हमारे को किलोमीटर पर आर हमारे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। वेरी गुड बेटा, शाबाश सर, कैलकुलेशन नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ये कॉमन स्टेटमेंट है, देखो आपने भी दिया होगा। वेरी गुड, तो कैलकुलेशन कैसे करनी वो भी देखते भी। सर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाए, ये भी है। और सर हमारे को तो मालूम ही नहीं था कि 3 4 5 होता है क्या, 3 और 4 का पाइथागोरस 5 बनता है क्या। बहुत बढ़िया, 3 बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, तो क्या हाइपोटेनस 5 बनता है क्या। सर हमारे से तो वही। वेरी गुड, ये तो खैर आसान है लेकिन अभी मैं बताऊंगा तेरे को। हाँ सर, बोर्ड मास क्या होता है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कई बोल लगे तो बोर्ड मास अभी भी सोच रहे कोई मच्छर मार नहीं क्रीम है, होता ना बोर्ड मास है बेटा, बोर्ड मास अलग है। कई लोग कहते हैं सर आपने स्पेलिंग, कई लोगों को क्या पता है सर की स्पेलिंग में थोड़ी ऊंच नीच होती है, तो कई बच्चा आ जाते हैं सर आपने ओडो मास की बोर्ड मास, अरे ये ओडो मास नहीं बोर्ड मास, अरे दिस इज नॉट ओडो मास, दिस इज बोर्ड मास। ठीक है सर, ये क्या होता है अभी बताऊंगा। ठीक है सर, सर पावर गलत सोल्व कर दी, ओ हो वो जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 6 करी आए, ये बेटा पावर 8 होगी, एक्स स्क्वायर की पावर फोर। ठीक है, तो एक्स की पावर 6 करी आए, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, वो चीज है। हाँ, जब डेसिमल आता है तो दिल घबराता है। सर जब डेसिमल नंबर आने लगते हैं तो दिल घबराने लगता है, जैसे रूट 0.64, ओ हो सर 64 होता तो 8 करी आते हैं, 0.64 ने तो रातों की नींद उड़ा दी सर हमारी। तो बच्चों अभी अपन देख लेते, जितना दिल घबराना अभी घबरा ले, नहीं तो घर वालों का दिल घबराएगा, तू एग्जाम देने जाएगा तब। ओके सर, दिमाग ही नहीं लगाया, नहीं तो हो जाता। एक एक और इससे सर दिमाग नहीं लगाया, बाकी तो सर अब समझ में आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, तो ये तो बात। अब अपन आ जाते बच्चों, ये जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़े, दिल घबराता है एंड रूट लेना नहीं आता है एंड डेसिमल देख के दिल घबराता है एंड पावर सोल्व नहीं होती है, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले नहीं पता थे, है ना, वो सारी बातों को दूर करने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए कुछ चीजें। इधर देख बेटा, जो समस्या मैंने सबसे पहली नजर आई, 6 को बच्चे ने 2 की पावर 3 लिख दिया, उससे तेरा भी दिल घबराया और मेरा भी दिल घबराया, क्योंकि मेरे से भी ये गलती हो चुकी थी। मैंने बताया था ना तेरे को, सारी लड़कियां पीछे मुड़ के देखने लगी, हंस रही थी मेरे पे, मैं भी पीछे मुड़ के देखने लग गया। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब ये मैं जानबूझ के पूरा लिख के नहीं लाया, क्योंकि फिर उसमें स्पीड बढ़ जाती है अपनी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि ये सारा क्या है। 2 की पावर 1, ये कुछ पावर है बच्चों। सर ये क्यों याद करनी है पावर, बेटा तू चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ले, एडियाबेटिक प्रोसेस याद है वहां पे गामा की वैल्यू, पीवी की पावर गामा, गामा कभी आता है बच्चों कितना, कभी गामा आता 5/3, कभी 7/5, कभी 4/3, है ना, 5 7/5, तो 5 भी आता है, 3 भी आता है नीचे, 7/5, 5/3, समझ में, 4/3, ठीक है, तो ये 3 भी आता है और 5 भी आता है नीचे, तो हमारे को कुछ पावरें पता होनी चाहिए। केपलर्स लॉ में टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, समझ में आ गई, न्यूक्लियर आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, तो कई जगह ये पावरें काम आएगी। तो देखो रेडियो एक्टिविटी एन बराबर एन नॉट अपॉन 2^n, याद है एन आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो वहां पे तो 2 की पावर 1 होता है 2, रटना नहीं है लेकिन 2 के अंदर क्या क्या आता है वो सब पता होना चाहिए तेरे को। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 बोलो 8, 2 की पावर 4 16, बेटा देख अभी तेरे को मजाक लग रही है, अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा तू कहेगा वास्तव में सर यार बात तो तगड़ी कर रहे हो, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 7 128, 256 512, ये डबल करता जा रहा हूं मैं 512 और 1024, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024, ये सब याद होने चाहिए। जैसे देख अगर तेरे आ गया कि रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर सम टाइम इज एन नॉट अपॉन 1024, अब ये ले, अब वो 2 की पावर एन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, वो पूछ रहा है बताओ कितनी हाफ लाइफ लगी, अब हाफ लाइफ तो तब बताऊंगा ना जब इसको 2 की पावर बनाना आती होगी। और अगर तुझे ये पता होगा कि 1024 2 की पावर में आता था, कब आता था ये नहीं पता पर आता था, तो तू गिन लेगा 2 4 8 16 32 64 128 256 512, और ये तो 10 नंबर पे आया, तो 2 की पावर 10, तो देखो फ्रीक्वेंटली फटाफट एन नॉट अपॉन 2 की पावर 10, तो तू बोल देगा 10 हाफ लाइफ लगी, क्योंकि अब वो अब जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो तू बोल देगा 10 हाफ लाइफ लगी मेरे बच्चे, तो अपने फटाफट काम होएगा। क्लियर है, अच्छा
कई बार देखो टाइम पीरियड का रेशियो पूछेगा, एक केपलर लॉ में पूछेगा बताओ नया टाइम पीरियड और पुराना दे दिया मान लो 10 आवर्स, अरे नया पूछेगा और ये और बोलेगा पहले ऑर्बिट थी आर रेडियस की तो यहाँ आर की पावर 3/2 आएगा और नई रेडियस हो गई 4 आर की तो यहाँ 4 आर या 9 टाइम्स हो गई तो बोलेगा नई रेडियस 9 टाइम्स हो गई। पहले एक सैटेलाइट घूम रहा था आर रेडियस की ऑर्बिट में, अब घूम रहा 9 आर रेडियस की ऑर्बिट में, पहले घूम रहा था आर रेडियस में, अब घूम रहा 9 आर में, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों टाइम पीरियड का रेशो पूछेगा या यूं पूछ लेगा, या यूं पूछ लेगा पहले टाइम पीरियड 10 घंटे था तो अब बताओ, मैं मेरी मर्जी से क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है। तो ये देखो नया टाइम पीरियड निकालना है, पुराना 10 घंटे 10 आर, तो यहां पर लिख दूं मैं ये आर से आर कट गया तो ये 9 की पावर 3/2 हो गया और ये आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 2, अरे ये रेशो करा 9। अब देखो अब तू खुद सोच यहां पे 9 आया और ये पावर 3/2 आया, अब तू सोच 9 की पावर 3/2 अब तेरी समस्या हो गई क्योंकि अब तू 9 की पावर 3/2 में घबरा रहा है। तो बच्चों 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, ये देख 3 का स्क्वायर इज 9, ये तुझे फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए। तो 9 क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर, तो यहां लिख दू 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। सर इससे फायदा क्या हुआ, ये जो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई होते ही 2 कट गया, तो जो तेरे को रूट करने में प्रॉब्लम आती है वो सब समस्या समाप्त हो गई। यस सर, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। अब देख फिर 3 की पावर 3 आ गया, अब 3 की पावर 3 बच्चे 9 लिखे आते हैं रिश्ता टूट जाता है, अरे 3 की पावर 3 9 लिखे आया रिश्ता टूट गया, कितनी 15 दिन एंगेजमेंट चली, शादी के लिए लड़की ने मना कर दिया, क्यों कर दिया 3 की पावर 3, बच्चा 9 लिख रहा है सर आपके साथ, ए मेरे साथ नहीं होता ध्यान, 3 की पावर 3 9 लिखा है, ए बेटा उस दिन अफसोस होगा जिस दिन रिश्ता 3 की पावर 3 से टूट जाएगा सर आपके, हाँ तो 3 की पावर 3 कितना हुआ 3 × 3 × 3। हेलो बेटा जिस लड़की को पसंद कर रहा है उससे शादी करनी है तो 3 की पावर 3 पता होना चाहिए, तो 3 × 3 × 3 कितना जाएगा 27। बेटा अभी पढ़ लेना मेरे लाल, है ना ठीक है ना, नहीं तो घर वाले धक्के देंगे, 27। तो यहां से T2 बराबर आ गया 270। हेलो 270 यार, बोल मेरे लाल T2 बराबर 270 यार। बेटा मेरे को कोई कैपिलर लो नहीं बताना, मेरे को तो ये बताना पावर 3/2 को सोल्व करना है तो आपको अंदर वाले को स्क्वायर बनाना पड़ेगा अगर आसानी से सोल्व करना है तो। बेटा पहले ये सीख रहे थे, फिर जब स्क्वायर नहीं बन रहा होगा तो क्या करना है वो भी देखेंगे। तो सर ये तो बहुत सही बातें बता रहे हो आप, है ना। तो सर रेडियो एक्टिविटी में ये चीज काम आ गई, केपलर्स लॉ में ये स्क्वायर काम आ गए, आप करते हो ये चीजें लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हो, तो फिर क्या होता है वो क्वेश्चन में फिर आप झुंझलाट ही रहती है। एडियाबेटिक में बोलेगा वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया तो वो गामा और मोनोएटॉमिक गैस दी 5/3 आ गया, समझ में आ गई 5/3 होता ना, हाँ देख लेना वो ध्यान, है ना। तो वो गामा आ गया 5/3, अब 5/3 आ गया तो वो 8 को 2 की पावर 3 की पावर 5/3 लिखना है, समझ गए। तो उससे क्या 3 से 3 कट जाएगा, तो हमेशा जो तेरी पावर की पावर बनेगी ना उसमें वो काटने के लिए अंदर वाले को क्यूब स्क्वायर करने पड़ेंगे, तो ये पता होना चाहिए बेटा तेरे को जो मैं बोल रहा हूं उसका ध्यान दे। फिजिक्स में काम आएंगे तो 3 की पावर 3 3 की पावर 1 3, तो अब देखो 3 फिर पावर 2 9 पावर 3 27 पावर 4 81 पावर 5 243 3 9, बेटा बोल 3 9, अरे बेटा 3 9 27 81 243, क्लियर है। हेलो ठीक है सर, तो ये याद रखना। अब ये देखो 27 देखते ही 3 की पावर 3 करना सीखो, 8 देखते ही 2 की पावर 3 करना सीखो, ये पावर 3 मेरे थर्मो में भी काम आएगी और ये पावर 3 मेरे कई जगह काम आएगी ठीक है, पावर 2 भी खूब काम आएगी ठीक है, और 2 की सारी पावर रेडियो एक्टिविटी में काम आएगी, एन बराबर एन नॉट 2 टू दी पावर एन, तो वह 2 की पावर बनानी पड़ेगी मेरे को। ये 1024 भी पूछा हुआ क्वेश्चन नीट में, समझ में आ गई, तो वो 10½ आंसर था उसका ठीक है सर। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64, ये 4 की पावर 3 भी याद रखना 64 देखते ही 4 की पावर 3 बोलना, जैसे बोल दिया गैस का एक्सपेंड करके वॉल्यूम 64 टाइम्स हो गया या गैस को कंप्रेस करके वॉल्यूम 1/64 कर दिया, तो 64 का फैक्टर आते ही 4 की पावर 3 करना मत भूलना, नहीं तो घर वाले तेरे को भूल जाएंगे, आपसे पूछेंगे आपको वेरी गुड। ये 5 की पावर 1 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 3 125, बेटा जो मेरे काम आएंगे ज्यादा, एक तो पावर है 3 काम आएगी और एक पावर 2 काम आएगी और एक 2 की सारी पावर काम आएगी रेडियो एक्टिविटी में, तो एक तो मेरे को क्यूब बनाने पड़ेंगे जगह जगह, समझ में आ गई। तो मैं 125 को देखते ही 5 की पावर 3 लिख दूंगा, अभी तरह नीट में क्वेश्चन आया 2022 में, याद है वो 2 टूटे थे शायद 64 और 125 में टूटा था एक न्यूक्लियस,
तो 125 देखते 5 की पावर 3 और शायद 64 था तो 4 की पावर 3। हेलो 64 4 की पावर 3, 125 5 की पावर 3, फिर कभी 8 आ जाएगा तो 2 की पावर 3, कभी 27 आ जाएगा 3 की पावर 3, बस इससे ज्यादा नहीं आएंगे और बाकी आए तो बनाता रहना तुम। तो बेटा मैं मानता हूं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 पता है तो तेरे को सारी न्यूक्लियर रेडियस में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और 2 की सारी पावर पता है तो रेडियो एक्टिविटी में तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ गई? केपलर्स लॉ में तकलीफ नहीं होगी, है ना। पावर 3 पता है तो तेरे को थर्मो की एडियाबेटिक प्रोसेस में तकलीफ नहीं होगी, है ना। उसमें पावर 5 भी काम आती है, 243 3 की पावर 5, समझ में आई। ये 32 2 की पावर 5, क्योंकि वहां पे जब अगर डाई एटॉमिक गैस दे देगा तो 7/5 एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो 7/5 उसका गामा होगा। हेलो सर, बातें बहुत सही कर रहे हो। तो बच्चों ये पावर अभी आपको आसान लग रही कि हमें आती है, लेकिन जब यूज लेना होता तो आप फिसड्डी साबित हो जाते हो, तो इनको फ्रीक्वेंटली यूज करना भी तो सीखो, आती है। तो सर ये इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद कर लेंगे। बोलो फटाफट मेरे साथ, 2 की पावर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 3, 9, 27 के बाद 81, 243, ये आते हैं 3 की पावर में, ध्यान रख। 81 देखते पता होना चाहिए 3 की पावर में आता है, अब कब आता है 3, 9, 27, 81 करके देख ले, ठीक है। 4 की पावर में 4, 16, 64, 4 की पावर 2, 16, फिर 64, ये ध्यान होना चाहिए। 5, 25, 125, ये ध्यान होना चाहिए। ओके सर, तो सर ये बहुत अच्छे से पता पड़ गया। अब आ जाओ रूट, मेरा बच्चे को रूट में बहुत दिक्कत हो रही है, तो बच्चों कुछ रूट आपको याद रखने हैं। मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स में इसके अलावा आपको रूट बहुत कम चांस है कि मिलेंगे, ज्यादातर यही मिलता है और इनमें भी खोटे खोटे कर जाता बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूट है जो मैंने आज तक फिजिक्स पढ़ाते हुए देखे, ठीक है, ये बता रहा हूं। अगर इसके अलावा भी कोई रूट आते तो तेरे को थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूंगा। सर क्या? 4 का रूट 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दोनों तरफ रूट लिया तो 2 का स्क्वायर का पावर 1/2 तो 2 आ जाएगा, पता है तेरे को। ऐसे ही 9 का बेटा थोड़ा सा फास्ट चल, 3, 9 का रूट 3, 16 का रूट बच्चों 4, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 36 का 49, 7, 64, 8, ये सब मैं लाइन से नंबरों के स्क्वायर लिख रहा हूं। 2, 3, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3, तो ये 16 का रूट 4, ये सब याद होने चाहिए। ऐसे ही 81, 9, 110, 121, 121 का रूट 11, 144 का रूट 12, देख ले बेटा 12, हाँ ये 13, 169, 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 169 का रूट 13 ध्यान रखना, 13 का स्क्वायर 169, अरे जिसका रूट होता है उसका स्क्वायर वापस अंदर वाली चीज आती है, क्योंकि ये पावर 1/2 है, उधर ले जाने पर स्क्वायर हो जाएगा। हेलो ना, 196, 14 देख लेना है, 14 का 196 यार ना, 225, 15, ये करके देख ले बेटा, 15 15 एक बार, 2 5 7 into 1 5 1 1 ओके, 5 2 2 ठीक है, हाँ फिर ये 16 देख लेना बेटा, कोई गलती हो तो क्षमा कर। अब देखो 16 तक तो आप याद रखोगे, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का रूट 12, 169 का 13, 196 का 14, 256 का 225 का 15, 256 का 16, देख लेना बेटा इसमें कोई गलत लिख दिया मैंने कोई जल्दी जल्दी में, ठीक है। 400 का 20, 400 का 20, सुबह से क्लासे थी बेटा, हो सकता है दिमाग खराब हो कुछ। हाँ अब देखो 400 का सीधा 20, क्योंकि 17, 18, 19, 20 इतने काम नहीं आते, ये जो ज्यादातर काम आते हैं वो लिख दिया मैंने। अरे इतने तो पता कर, फिर तो अपने आप अंदाजे लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो 900, अब 20 के बाद सीधे नंबर 30, 40, 50, 60, तो अब यार 30, 40, 50, 60 में क्या दिक्कत है, 40 में 16 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो वो अपने आप में समझूंगा। ये देखो 9, अब तो ये नंबर आने लग गया ना, अरे जीरो ही तो लगने लग गया यार, 30 में क्या है, जो 3 के साथ हुआ था 9 का रूट 3, तो 30 लाने के लिए अंदर 900 हो जाएगा, क्योंकि 100 का रूट 10 होगा, तो बेटा अंदर 900, उसको 9 इंटू 100 पे सोचना यार, 100 का रूट 10 और 9 का रूट 3, तो अब जो नंबर आएंगे वो इनसे मिलकर बनेंगे। सर समझ नहीं आया, बताता हूं, जैसे 900 है तो ये 900 क्या है बच्चों, 9 इंटू 100, और इन दोनों का पता है ना यार, इनको सिंगल सिंगल नंबर में, तो 9 का 3 और 100 का 10, तो मैं बोलता हूं बच्चों 30 आ गया, तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। ये देख यहां पर लिख दे, ले चला जा 1600 अंडर रूट 1600, ये देख अंडर रूट 1600 है ना, अंडर रूट 4900, कुछ भी लिख दिया मेरी मर्जी हुई, जो
ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा 1600 का रूट। ये बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में खूब आते हैं, मैक्सिमम रेंज इतनी है तो यू बताओ, तो याद है वहां पे यू स्क्वायर अपॉन टू जी, अरे मैक्सिमम रेंज में क्या आएगा यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना होता जी होता ना, हाँ तो अब यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी बराबर मैक्सिमम रेंज दे दी, जी उधर भेजा और रूट करेंगे तो वो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 का रूट 40, देख लेना बेटा आज थोड़ा सा, हाँ फिर यहाँ पे कई बार 49 तो ये 49 का रूट आ जाएगा बच्चों, 49 का 7 और 100 का 10 तो 70 ऐसे, तो ये सब ये पता होने चाहिए, उसके बाद तो वो 100 लगते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो ये सारे रूट हम याद कर लेंगे ठीक है, ये इनसे मिलके बनेंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं। तो एक मैंने थोड़ा बड़ा वाला रूट बता दिया ठीक है सर, तो कुछ रूट याद कर ली, ऐसे क्यूब रूट होते हैं पावर 1/3 ठीक है। अच्छा छोड़ो, पहले इस रूट का मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं, जैसे अब 0.64 आ गया, देखो बी अवेयर फ्रॉम रूट ऑफ नंबर हैविंग डेसिमल। अब बच्चा क्या इतने रूट पढ़ाने के बाद भी गलतियां कर जाता है एग्जाम में खोटे खोटे, बताता हूं है ना। एक और मेरा बच्चा था, उसके घर में रिश्ता आया, लड़की उसको पसंद आ गई, और उस लड़की ने वही 2 मिनट की बात करने गए, लड़की ने बोला कि अपने लगभग लगभग रिश्ता तय है, आप तो मेरे को रूट अंडर रूट 0.64 की वैल्यू बता दो। तो मेरा लाल मेरा स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, और उसने क्या करा 0.08 बता दी। कई बच्चे अभी तुम्हारे में से भी सोच रहे सर सही तो है, हमारे भी रिश्ता है कि तुम भी यही बताए। ए तो उसने क्या बोला पता है सर, 64 8 होता है और डेसिबल के बाद 2 नंबर थे तो मैंने दूसरे नंबर पे 8 लिख दिया। बहुत बढ़िया शाबाश। देख सुन, ये कॉमन मिस्टेक है, तू नेता मत बन, तेरे से भी होगी। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम भी कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो सर क्या करें, ऐसा क्या करेगी ये मिस्टेक नहीं होता बताओ। बेटा तू थोड़ा सा अलर्ट हो जा, अगर ये मिस्टेक नहीं करना चाहता तो थोड़ा सा अलर्ट हो जा। सर कैसे हो जाए थोड़े से अलर्ट, देख मैं तो तेरे को एक सजेशन देता हूं कि डेसिमल हमेशा उड़ा दे और इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो क्या मैं इसको लिख दूं, ये डेसिमल उड़ाऊंगा तो 64/100, हेलो 64/100 लिख दूं क्या? सर बहुत सही बात बोली आपने, इससे क्या होता तेरी सारी गड़बड़ खत्म। 64 का रूट अलग कर, 100 का अलग कर, जिंदगी में गलती नहीं हो, जिंदगी में तेरा रिश्ता नहीं टूटे। तो 64 का रूट 8 और 100 का रूट 10, और अब गलती होगी नहीं, 0.8 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया 0.8। तो बच्चों 0.64 का रूट 0.8 होगा, 0.8 मतलब 0.80 भी लगा सकते हो आगे। अब तू ये सोच क्यों लगाया जीरो बताता हूं, तू ये सोच 0.64 का रूट 0.80 ज्यादा आया, 0.64 का रूट 0.80 ज्यादा आया। पता है आपको, 1 से छोटी चीज का रूट करोगे तो वैल्यू बढ़ती है, आज की बात किसी को बताना मत, समझ में आ गई? क्योंकि एक से, क्योंकि देख सुन, एक से छोटी चीज का स्क्वायर करके वापस ये अंदर वाली चीज लाओगे, तो जब एक से छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा। हेलो सर बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने, तो आप कॉमन सेंस से चीजों ओके, तो आप कॉमन सेंस से समझो, 0.64 का रूट, एक से छोटी चीज का रूट ज्यादा आएगा। तो 0.08 अगर किसी ने जल्दी जल्दी में 0.08 भी लिख दिया तो उसको मूर्खानंद को ये समझ में आनी चाहिए थी, 0.08 तो कम है ना 0.64 से, आंसर तो ज्यादा आने वाला था, तो 0.80। सर हमारे तो 0.8 ही आया था लेकिन हमें लगा ये कम है, अरे 0.8 थोड़ी कम होता, 0.8 का मतलब 0.80 है, डेसिमल के बाद यहां 2 नंबर है, तुम यहां पे भी 2 नंबर लिख तो कंपेयर हो जाएगा। 0.8 तो 0.08 को बोलते हैं, ये तो 0.80 है, मतलब डेसिमल समझ गए तुम, हां अब यहां जाओ। तो सर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो ये 0.25 है, इसको 25/100 लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5/10। देखो अब गलती नहीं होगी, तो बेटा अगर गलती से बचना है तो आपको गलती पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो तुम क्या करते हो, एक बार गलती करते हो फिर एग्जाम में भी वही कर जाते हो, क्योंकि तुमने क्या तरीका नहीं बदला, तेरे से गलती हुई 0.05 लिखा है, अगली बार ध्यान रख इससे बचने के लिए डेसिमल उड़ा के 100 करूंगा, गलती करी कोई बात नहीं उससे सीख तो सरी, ठीक है। ये अब देखो 0.09, अब देख 0.09, अब देख 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 कैसे करेगा, इससे स्टंट मत कर सर, मैं डायरेक्ट करूंगा इसी से, घर वाला घर में नहीं घुसने देंगे, ये डेसिमल उड़ाया 100 लिख दिया, 9 का 3, 100 का 10, आपको जान के ताज्जुब होगा 0.30, 0.3 आ गया, ज्यादा आ गया, सही बात है 0.09 का 0.3 कितना ज्यादा आया, 0.09 0.30 बन गया, 9 से 3 गुने से भी ज्यादा बन गया रूट, 0.09 का मतलब 0.09 का रूट 0.30 बन गया, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा बन गया, ठीक है बड़ा होता जाएगा। हाँ कर लोगे इसको, ये होमवर्क ठीक है सर, कर लेंगे इसको भी होमवर्क कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना बेटा, जितना खुद को तपाएगा उतना कुंदन बन जाएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू है बच्चों, ये एक्चुअल में डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन मैंने
कई टाइम पहले बना दी थी और अपने चैनल पे भी मतलब एक छोटा मोटा पहले चलता था उस पर अपलोड की थी, लेकिन पायरेसी हो गई है ना। लेकिन बच्चों ये मैंने खुद के लिए जब मैं पढ़ता था तब मेरे को जो तकलीफ होती थी उसको देख के बनाई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1.4 को 0.25 लिख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है बच्चों, कॉपी ओरिजिनल लगने लग जाता है, तो 1/4 इज 0.25। वो कभी वीडियो आपको बहुत पुराना YouTube पे कहीं पे भी आने से पहले का बताऊंगा मैं आपको, कभी मौका मिलेगा तो। तो बच्चों ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है बच्चों, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, ओके। तो चलता है 1/3, 1/3 इज 0.33, ठीक है। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.33। 1/2 इज 0.5, इट इज हाफ। 3/4 इज 0.75, ओके 0.75। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी मतलब बच्चों 3/4 करना होता है कई बार हमारे को, 0.75 दे देता है वो, तो 0.75 इज नथिंग बट 3/4, ठीक है। कई बार हमारे को 1/4 करना होता है चीजों को, तो 0.25, 0.35 इज नथिंग बट 1/4, 0.33 तो ये 1/3 होता है, ठीक है, 0.5 ये हाफ होता है, ठीक है बच्चों। और 2/3 इज 0.67 एंड 4/5 इज 0.8, 2/3, अरे बेटा 0.67 हिस्सा 2/3 होता है, तेरे मोल फ्रैक्शन में बहुत काम आता है, याद आया, हाँ 0.67 मोल फ्रैक्शन है, तो समझ जाना 2/3 है, 3 मोल में से 1 मोल, 2 मोल गैस है, जैसे तेरे आया एक गैसियस मिक्सचर में हीलियम का मोल फ्रैक्शन 0.67 है, का मतलब पता क्या, जितनी भी गैसें उसमें से अगर 3 मोल गैस है तो हीलियम 2 मोल है, समझ गया, तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो 0.8 देखते ही 4/5 भाग है, 5 मोल में से 4 मोल है, 10 मोल है तो 8 मोल है वो चीज, तो 0.8 मोल फ्रैक्शन 0.8 का मतलब 8 मोल होती है, क्लियर है क्या। तो ये थोड़ी थोड़ी मोटी बातें हैं, है ना फ्रैक्शन, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप 0.25 को देखते ही आप कितना लिख सकते हो बच्चों, 1/4। जैसे देख मेरी बात सुन, अपने अपन जब करते हैं वेलोसिटी दे दी लाइट की, ठीक है, कितनी 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। और अपने को पूछ लिया बच्चों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की, है ना, म्यू। तो ये जो 2.25 है इसको आप पता क्या लिख सकते हो, 0.25 देखते 1/4 कर दोगे, तो मैं बोल दू 2 पूरा और 2 + 1/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 + 1/4 को क्या लिखोगे, 2 + 1/4 इज इक्वल टू 9/4, ओके। तो दिस इज 9/4, 2 + 1/4 इज 9/4, क्लियर है क्या। तो 2 + 1/4 इज 9/4, तो इसको ऐसे लिखते ही पता क्या है, तो म्यू आपने 10th क्लास में पढ़ा था, म्यू बराबर c/v होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 10^8 अपॉन 9/4 × 10^8, तो ये 10^8 कट गया और 9 से 3 आसानी से कट गया, तो ये 4/3 आंसर आ गया, तो म्यू बराबर 4/3 आ गया। तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई, 2.25 को मैंने 2 + 1/4 लिख दिया, तो ये 0.25 इज 1/4, दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। मेरा बनाए हुए फैक्टर है सारे, मतलब बनाए हुए इन द सेंस ध्यान कैलकुलेशन में ध्यान रखने के हिसाब से मैंने यूज किए हुए हैं ये सब, तो आपको भी इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे स्टीफन कॉन्स्टेंट 5.67 उसकी वैल्यू होती है, तो आप उसको 5.67 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत लंबी रामायण हो जाएगी, उस 0.67 को 2/3 लिख दो तो 5 + 2/3 हो जाएगा वो, बेटा स्टीफन कॉन्स्टेंट में 5.67 आएगा, तो आप इस 5.67 को क्या करोगे, 5 + 2/3, तो ये आ जाएगा बच्चों 17/3। अब पता पड़ा आपको टेम्परेचर में वो 3 से 3 कट गया, मजा आ जाएगा ना, तो अननेसेसरी 5.67 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसका वीडियो कभी आपको मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, कब बना हुआ है वो भी बताएंगे, ठीक है, है ना। मेहनत तो मेहनत होती है बच्चों, ठीक है। तो सर ठीक है, तो इनको अपन कैलकुलेशन में यूज करेंगे, समय आने पर यूज करते रहेंगे, ठीक है सर। तो सर सारे रूट आपने बता दिए, ये सारे रूट हम तगड़े तरीकों से यूज कर लेंगे। हाँ, अब पावर 1/3 क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट बच्चों ये याद कर लेना, मेरे बच्चे जिंदगी भर अफसोस रहेगा अगर ये क्यूब रूट याद नहीं करे दो। तो देखो 8^1/3, तो मैं बोल दू बच्चों ये 2^3 देखो 2^3 तो ये 2 बन जाएगा। अब सीधा याद रख, एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कुछ तो याद ही, 8^ ये 8 हो जाएगा 2, 27 का क्यूब रूट 3, क्योंकि 3^3 बेटा 27 × 3^3 बनेगा ना, ले सोल्व करके बताता हूं, 2^3 कर दू 8 को, 1/3 इंटू करूंगा तो आ जाएगा 2,
ऐसे ही 27 को 3 की पावर 3 इंटू 1 बाई 3 तो आ जाएगा 3। ऐसे ही 64 को 4 की पावर 3 की पावर 1 बाई 3 तो आ जाएगा 4। ठीक है, 5 की पावर 3 की पावर 1 बाई 3 आ जाएगा 5। हेलो, 25 है, ये 5 का क्यूब है। अभी बताया था मैंने सबके क्यूब याद रखना। 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। समझ में, ये याद रख तू, तो इनके क्यूब रूट अपने आप निकल जाएंगे। तो ये 2 का क्यूब है, क्यूब से 3 से 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3 का क्यूब है तो 3 से 3 कट के 3 आ जाएगा। 4 का क्यूब है, 3 से 3 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 5। बेटा ये याद कर ले मेरे बच्चे, याद कर ले मेरे लाल। अगर तू चाहता है मेरे को मोमोज की प्लेट लाके हाथ में नहीं पकड़ा है तो याद कर ले, याद कर ले। फिर तेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, याद कर ले। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, 64 का क्यूब रूट 4 और 125 का 5। बस ये याद रख। ठीक है सर, चले आगे। हाँ, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरस नंबर ग्रुप। सर कुछ समझ नहीं आता बेटा, कई बार क्या होता है हम एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे को एक जो चीज पता होनी चाहिए थी वो पता नहीं होती है। बताता हूं क्या, देख बहुत जोरदार चीज है। ठीक है, ओरिजिनली बाय एमएसएन 4 3, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है बेटा। हाँ, 3 और 4 की पाइथागोरस 5 बनेगी, खूब सारी चीजें रिपीट आएगी मार्केट में। 3 और 4 की पाइथागोरस 5 बनेगी, ये तेरे को पता है। 3 4 अगर राइट एंगल पे होगा तो उसका 5 बनेगा, ये तुझे पता है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन की दुनिया में आना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चों को लाभान्वित करना था। ठीक है, तो 3 4 5। ठीक है, अब आ जाओ अगर हो पाए तो। अब और पाइथागोरस होती है बच्चों 5 12। 12 और 5 की पाइथागोरस बना तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 का रूट अंडर 169। क्लियर है? हेलो, 169 और ये 13 होता है। तो 12 5 का 13 ये फ्रीक्वेंटली याद होना चाहिए, ये मेरे वेक्टर में भी काम आया, कई जगह काम आएगा बच्चे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, मतलब 12 5 अगर हो बेस परपेंडिकुलर, कुछ कोई इसमें से कोई कुछ भी हो तो ये 13 बन जाता है 13। तो बच्चों ये नंबर याद रखना। ठीक है, तो मैं लास्ट में हाइपोटेनस लिख रहा हूं, तो 3 4 की पाइथागोरस 5 बनेगी। ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा, बाकी बेस और वो कुछ भी हो जाए परपेंडिकुलर। 5 12 की कितनी बनेगी 13। ये नंबर याद रखना मेरे बच्चे। फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, ध्यान रखना बेटा, क्लास लाओ अपने अंदर। ठीक है, आप बेटा आपका सिलेक्शन हवाओं के भरोसे नहीं होना चाहिए कि हमारे दिशा में हवा चली हमारे हिसाब से पेपर आ गया सिलेक्शन हो जाएगा। तू ऐसी तैयारी कर पेपर कुछ भी आएगा तेरा सिलेक्शन होएगा। समझ गया, बार बार नहीं समझूंगा ये बात है। हाँ, अब ये देख, अच्छा पाइथागोरस के और नंबर में लिख के लाया हूं तेरे लिए। ठीक है, जो आपको ध्यान ही रखना है ना, जो इन जनरल ध्यान नहीं होता, देखो और काम आती जो 7 24 की 25। अब ये इन जनरल देखो, ये तो सबको पता होती है, पता था। ठीक है, ये तो लगभग लगभग सबको पता था, ये भी लगभग पता था, ये भी मैं मानता हूं अगर आप थोड़े बहुत मेहनती हो तो ये भी लगभग पता था, है ना। चांस थे पता होने के, चांस थे कि पता हो, पता होने के। ठीक है, बट बच्चों ये तो लगभग लगभग किसी को पता नहीं होगी, बहुत रेयर चांस है लेकिन आती है। अब हमारा ध्यान नहीं जाता, उस समय हम कैलकुलेशन कर लेते बेटा वेक्टर में काम। 24 7 का पाइथागोरस बन जाएगा बच्चों 25। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने भी मैंने बोल दिया तेरे को, देखिए सुन, तू 7 ईस्ट में चला, 7 मीटर ईस्ट में चला, और उसके बाद बच्चों 24 मीटर नॉर्थ में चला, 7 मीटर ईस्ट में चला और 24 मीटर नॉर्थ में चला, 7 मीटर ईस्ट में चला और 24 मीटर नॉर्थ में चला, तो बता बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब देखो इनिशियल और फाइनल को मिलाओगे, अब ये पाइथागोरस पता नहीं तो उस दिन कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में, और बेटा एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है। अब गलत हो जाती है तो उसमें उलझ गया, रूट ही नहीं निकला, या यूं समझ ले इनका स्क्वायर बन के जो बन रहा है उसका रूट ही नहीं पता तेरे को। हालांकि 25 625 सबको पता होती है। अच्छा, उसमें 25 का मैंने नहीं लिखा, ए रूट 25 का इंपॉर्टेंट है, इधर देख, ए यहाँ पे एक चीज और लिख बेटा, नहीं चीज कुछ भी नहीं छूटी, यहाँ पे रूट 625 नहीं लिखा मैंने, 25 का भी रूट लिखना याद रखना आपने को, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, हाँ ये रूट 625, 625 का रूट 25 होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये तो बहुत ज्यादा काम आता है, ये हो गया 400 हो गया,
ठीक है, ये हो गया 400 हो गया, ये 144 हो गया, ये 121 हो गया, ये तो बहुत काम आते हैं, 100 हो गया, ये 36 हो गया, बहुत काम आते हैं। तो ठीक है चलो, तो बेटा कोई चीज चूकनी नहीं है, है ना, सिलेक्शन कैसे नहीं होएगा, है ना, अरे छीनेंगे, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, छीनेंगे। 7 24 7 24 25 है ना, तो आप करके देखो। अब वहां पे एग्जाम में बच्चे क्या करता है, आप जैसे जिसको नहीं पता, देख समझ मेरी बात को, निकाल तो उस दिन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अननेसेसरी की कैलकुलेशन कोई नहीं, 7 24 तो बहुत वेल नोन डेटा है। तो देखो 24 का स्क्वायर करेगा बच्चा, 24 × 24 तो ये 4 × 16 = 6 1 8 9 × 8 देखना बेटा कैलकुलेशन, बहुत गरीब आदमी हो, 6 ये आ जाएगा 7 × 5 = 76 और 7 × 49 दोनों को ऐड करेगा, ये 7 का स्क्वायर तो 49 ऐड करा कितना आ जाएगा, तो देखो 625 आ रहा है, देखे ना बेटा, मैं तो गरीब आदमी, हाँ ये तेरा तो आ गया 13, ए क्या कर रहा हूं, सॉरी 25, तो 7 × 24 = 25 हेलो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और मेरे को जो पसंद आई है ना, जिसकी होता, तो 7 24 अगर बेस परपेंडिकुलर है तो इसका हाइपोटेनस 25 बनता है, ये ध्यान रखना, हाइपोटेनस रख लेना, ये 25 बनता है, तो ये 25 हाइपोटेनस बनता है इनमें, ठीक है ना। और एक मेरे को और पसंद आई है, वो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़े, 15 8 का 17 ये भी नहीं पता होता है, ताकि ये कम काम आता है, 15 8 का 17 ये 15 और ये 8 ये 17, ओके 15 8 का 17 बेटा ये कैलकुलेशन आपको 15 8 17 15 8 17 करके देख लेना, 15 का 225 8 का 64 225 और 64 64 तो कितना हो जाएगा, 225 और 64 का जो एडिशन होगा वो इसका करूट करोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे हम, ओके मेरे बच्चे याद रख लेगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस बनेंगे सारे, सर मजा आ गया। चलो एक बार रिवाइज कर लो, मेरे 3 4 का 5 ठीक है, 3 4 का 5 जैसे 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, याद किया था याद कर ले, तो 3 4 का 5 5 12 का 13 3 4 का 5 5 12 का 13 ये तो बड़ा ही आएगा यार, 5 3 12 का 13 ये तो बहुत वेल नोन है, 5 12 13 7 24 25 7 24 25 7 24 25 ठीक है। उसके बाद लास्ट 8 15 17 8 15 17 8 15 17 8 15 17 ये हाइपोटेनस 8 15 17 7 24 25 5 12 13 ये तो याद ही कर ले, 5 12 13 तो खूब आता है, 5 12 13 ये वेक्टर में तो खूब क्वेश्चन बने इसमें, ठीक है सर। तो सर ये पाइथागोरस याद कर लेंगे, हाँ अब सम बेसिक फॉर्मूला, अब देख अभी तो नेता बनेगा, हो सर ये क्या बता रहे, तो हमें पता है, अभी देखता हूं कितना पता है, ठीक है। तो कई बच्चे मेरे नेता बन जाते हैं कि सर ये तो हमें पता है, अभी देखते रहे सारी किडनियां फेल करूंगा मैं, हाँ इधर देख। तो फोर्स का फॉर्मूला, सर एफ बराबर एम ए, सर एम ए के बराबर, सर एम ए के बिना हमारा काम नहीं, अरे बेटा वो वाला एम ए नहीं है ये, अच्छा हाँ कई बच्चे आ जाते हैं सर देखो मेरे को तो फॉर्मूला पता है, आप तो कह रहे थे पता ही नहीं है, एफ बराबर एम ए, बेटा ये क्या ये लिखा देने, कॉमन से बेटा एक्सेलरेशन का नोटेशन स्मॉल ए होता है, तो एफ बराबर एम ए, ठीक है ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। एफ पी बराबर एम बी, ये मोमेंटम का पी लिखा है मैंने, पी बराबर एम बी, ठीक है सर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सुनना भी मैं क्या कह रहा हूं, अभी तेरे को नहीं पता पड़ेगा ये क्या लिखे सर, काइनेटिक एनर्जी, कई बच्चे हाफ एम बी लिख के लिए आते हैं, अरे मैंने होते हुए देखी है गलतियां सर, जल्दी जल्दी में हाफ एम बी लिखा है, अरे इतनी कितनी जल्दी थी है, अब रहेगा कहां सर घर में, अरे घर में घर वाले घुसने ही नहीं देंगे, हाफ एम बी लिख के आया है, तेरे पापा के आर्ट्स थी तो भी पता उनका हाफ एम बी इसको होता है, समझ में आ गई, तो उन्होंने भी 9th में पढ़ा था, तो ऐसी क्या गलतियां कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी गलती कर देते, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी अभी देख, तू देखना हो पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी एम डी एच, क्या लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एम डी एच, मैंने बोला एम डी एच, एम जी एच, सॉरी मैंने कहा तू तो पहले ये बता, तेरे एम जी एम डी एच दिमाग में आया कैसे, बोले सर वो मसालों का एड को देख लिया था, जो अंकल जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी सुनता वो अंकल नाचते, वो मसालों वाले, अरे काम मसालों वाले अंकल का नाच बेटा, वो एमडीएच मसा लेते हैं, तो कई लोगों ने तो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा वो मसालों के बारे में सुना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी ऐसी गलतियां करते तुम्हारे को क्या बताऊं यार, हंसी आ जाती है। हाँ तो एमजीएच, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, ठीक है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर रेफरेंस लाइन, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी मेरा वो एम है। बच्चों को डेंसिटी नहीं पता, डेंसिटी नहीं पता, यकीन नहीं मानोगे आप, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये मैंने तुम्हारे को एक झलकी बताई, ऐसे सारे फॉर्मूले याद कर लेना 9-10 के, सारे फॉर्मूले याद कर लेना 9-10 के, क्लियर है सर? ये तो आप फालतू की बातें कर रहे हो, आप तो ऐसी ऐसी बातें सब हमें पता चल, कोई बात नहीं। ये देख, एक 2 किलो का पार्टिकल है, ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है, इसका मोमेंटम P1 है। अच्छा, एक 4 किलो का पार्टिकल है, ठीक है, और ये जा रहा है, उधर जगह नहीं है बच्चों, इधर बना रहा हूं मैं, ये जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, और इसका मोमेंटम P2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, इसको मैं हटा रहा हूं, ये सब तेरे को पता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल ये रखा, ओके। तो अब अपन ने पूछा किसका मोमेंटम में रिलेशन, ठीक है, मोमेंटम का क्या होगा, तो देखो ए ऑप्शन है ना, P1 P2 से बड़ा है, बी P1 P2 से छोटा है, सी P1 P2 के बराबर है, ये चलो पहले इसका तो ये कंपेयर कर दिया, ठीक है, P1 P2 के बराबर है, और डी नन। अब सुन मेरे बच्चे, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है मैं बता देता हूं तेरे को, देखना हो। हाँ, मैं बोलता हूं बच्चों, P1 की वैल्यू आ रही है MV, ए मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता ही था, MV, तो बच्चे ने MV, तो ये आ जाएगा 2 × 10 और ये आ गया 20, तो इसका मोमेंटम 20 आ गया। यूनिट नहीं लिख रहा हूं अभी क्योंकि मेरे को अभी कंपेयर करना। हाँ, और यहां पे P2 भी M2 V2, ए वो M1 V1 कर रहा हूं इसको, है ना, M2 V2, और M2 की वैल्यू 4 है, मास थोड़ा ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है 5, तो आ गया 20। ओके, तो बच्चा ऐसे करके आता है, दोनों 20 और इक्वल कर जाता है, घर आता है, बाहर निकलता है एग्जाम हॉल से, कॉलर घड़ी हुई है, ठीक है, पापा सामने खड़े और यूं चाल टेढ़ी हो गई उसकी सिंघम की तरह, वेरी गुड, चश्मा निकाल के, यहां से चश्मा निकाल के टक लगा दिया, ठीक है, ठीक सर। घर पहुंचा, उसको लगा सर डॉक्टर बन गया, घर पहुंचा, की चेक करी, इसका आंसर नन दिया हुआ है, इसका आंसर नन दिया हुआ है, सारे वो पैरों के नीचे जमीन, पापा कॉलर फिर सही करते, ठीक है, चश्मा उतारते साइड में रखते, फिर पूछते बोल बेटा गलत क्यों हो गया, फिर पढ़ते एक लपड़ खींच गया, सारा सिंगम बाहर आ जाता है, ये सिली मिस्टेक, बेटा तेरे मेहनत करी, बहुत बढ़िया मेहनत करी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियों का ध्यान नहीं रखा। देखो तू अभी नेता बन रहा था ना, फॉर्मूला था, बेटा मैं तेरे को फॉर्मूले किया था, मुझे भी पता तू जाते है, मैं तो तेरे को ये बताना चाहता हूं, तेरे एरो का ध्यान नहीं दिया, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और उसने बेटा तेरी इस नालायकी का फायदा उठाया, उसने देख कितना उस्ताद होते, वो 2 किलो दिया 10 से चलता, 4 किलो दिया 5 से, तेरा दिमाग सारा कैलकुलेशन में चला गया, 2 × 10 = 20 होता है, 5 × 4 = 20, अरे उसको पता है कि तू ये कर लेगा, तो दोनों के मोमेंटम 20 आ गए, तो तेरे अंदर का बॉक्सिंग जाग गया, तेरा खून खोल उठा, समझ में आ गई, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मेरे सामने आ गए सर तुम मुझे खून दो, अरे बेटा मेरी बात सुन, गलती कर दी तेने, उसने तेरे माइंड के साथ खेल लिया, 2 में तो मैग्नीट्यूड कंपेयर कराए थे, तू बेचारा 20 में इमोशनल हो गया, बराबर टिक कर आया, और यहां पे वेक्टर दे दिया, क्यों, मोमेंटम की ये डायरेक्शन सेम है, क्यों, इसका मोमेंटम अगर आगे एक्स एक्सिस मान रहा है तू, और ऊपर वाई मान रहा है, छोटा मोटा ज्ञान तेरे को है, तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ +20, चलो आगे की दिशा को प्लस मान लेता हूं, तो इसका मोमेंटम +20 है, या यूं बोल दो 20 आई कैप है, और इसका मोमेंटम -20 आई कैप है, हेलो, उसका मोमेंटम आगे की तरफ है, इसका मोमेंटम पीछे की तरफ है, उसका मोमेंटम आगे की तरफ है, इसका मोमेंटम पीछे की तरफ है, सेम का है, डायरेक्शन अलग है, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन ये जब वेक्टर स्केल और पढ़ेंगे तब वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन फोटोन के लिए एससी वर्मा में दिया हुआ है, दो फोटोन सेम वेवलेंथ से मूव कर रहे, तो क्या उनका मोमेंटम सेम होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन अलग हो सकती है, वेवलेंथ सेम है तो h/λ तो सेम आ गया, लेकिन डायरेक्शन का क्या होगा, फिर वो अपने 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर 2 फोटोन की वेवलेंथ सेम है तो क्या उनकी एनर्जी सेम है, यस, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, हेलो, h/λ तो सेम होगा, तो एनर्जी स्केलर है, h/λ को सेम बोल सकते हो, एनर्जी स्केलर है तो आप बोल सकते हो एनर्जी सेम है, लेकिन मोमेंटम का नहीं बोल सकते क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन होती है। तो बच्चों फॉर्मूले को रटना है लेकिन ऊपर से नहीं, उसकी आत्मा से याद करो, नहीं तो आपकी नहीं तो न्यूटन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आइंस्टीन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, प्लैंक कब्र से बाहर आ जाएगा, तेरे सपने में आएगा, ओके, और बोलेगा मुझे माफ कर बच्चे, ठीक है ना, तो ये ऐसे गलतियां होती है, ये मैं जस्ट तेरे को एक बता रहा हूं कि फॉर्मूलों को पढ़ना है,
और उनकी आत्मा को समझना है, फॉर्मूलों की आत्मा को समझना है, नहीं तो साइंटिस्टों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ओके ठीक है सर, तो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले सारे याद करें। देख बेटा मैं यहां सारे नहीं लिख सकता हूं, सारे याद करें, सारे याद करें विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, विथ डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, डायरेक्शन का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख, ध्यान रखते हुए, रखते हुए। मेरे बच्चे ओके सर ठीक है, आगे आ जाओ। ये मेरे बच्चे कुछ एरियाज है, हेलो, कुछ एरिया पेरीमीटर, बच्चों को बेसिक एरिया। अरे यार मैंने एक बार पूछा बच्चे को स्फीयर का वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी थी, मास मेरे पास था, मैंने वॉल्यूम एक रेडियस दी हुई थी, वॉल्यूम पूछा 4πr² दिया स्फीयर का वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, मेरा बच्चा 4πr² बता रहा है, मैंने उसे दिया खींच लपड़ा। अरे वॉल्यूम में क्यूब आता है, थोड़ा लॉजिक लगा, वॉल्यूम में 3 मीटर क्यूब लिखते हैं ना बेटा, 3 डायमेंशन आती है, ऐसे क्या कर रहा है मेरे बच्चे। अरे मुझसे प्यार नहीं करता, देखो और कितनी स्लाइड बची है, अभी तो है काफी है। चलो ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जिसको हम मानते हैं बच्चे को आती होगी। बेटा अपना बेस आज क्लियर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल, हेलो, सर्कल, सर्कल का एरिया ठीक है, सर्कल का ये बाउंडेड एरिया, ये अंदर का वाला एरिया है ना, एक तरीके से डिस्क, हाँ, तो πr², हेलो πr², तो ये अंदर सर्कल के अंदर जो ये एरिया बाउंडेड है इसका πr², क्योंकि सब लो डिस्क है, πr². पेरीमीटर, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर 2πr, तो इसकी सर्कमफ्रेंस बोलते पेरीमीटर एक ही बात होगा, 2πr, इसकी पूरी लेंथ 2πr होती है, एरिया, तो ये एरिया कितना होगा, तो लेंथ इनटू विड्थ, सबको पता है बेटा, ये छोटी छोटी मिस्टेक मेरा बच्चा करके आता है यार, मैंने तो खूब मिस्टेक किया, मत करना मेरे लाल, मत करना, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी इंसल्ट मत करना मेरे लाल, तेरे हाथ जोड़ू, हाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे, हाँ ठीक है, उनका क्या होगा, ठीक है ना, तो ये देख 2 × L + W, एरिया लेंथ इनटू विड्थ। अरे ये याद रख बेटा, तेरे ईएमआई में फ्लक्स निकालना होगा, बी इंटू एरिया करना होगा, तेरे को रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता होगा तो मैं मेरा सिर फोड़ लूंगा, रेक्टेंगल का एरिया नहीं पता होगा तो मैं तो मेरा सिर ही फोड़ूंगा ना, तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, तेरे को कुछ नहीं कहूंगा मेरे लाल, तेरी तो फोटो देना, प्रेम प्रेमिंग करके फोटो देना, भगवान का क्लास में लगाऊंगा तेरी, हे भगवान बचाए ऐसे लोगों, ठीक है, तो इतना पढ़ाने के बाद भी अगर तू गलत करेगा मैं यही करूँ। तो बच्चों ये अपन जब फ्लक्स निकालेंगे तो एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें बी इंटू एरिया, ई इंटू एरिया ही तो करना है, एरिया याद नहीं होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू एरिया, याद है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, वायर का स्क्वायर बना दिया, सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, उस दिन थोड़ी सिखाऊंगा ये सब, अभी याद कर ले ये सब, यूज आएंगे तो अपने को रटने में आते जाएंगे। अब स्क्वायर ट्रेपेजियम बात करूंगा, ये स्क्वायर, स्क्वायर में वही चारों साइड सेम है तो और ही रेक्टेंगल से आसान हो गया, तो इसका 4 हो गया पेरीमीटर, 4 ए और एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बोलूँ एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, वो मैंने क्या यहाँ पे पहले क्यूब और क्यूबॉइड लिखे थे, ठीक है, तो सर कोई बात नहीं, माफ किया, आप भी क्या याद रखोगे, बड़े दिल वाले थे हम, हाँ ठीक है, तो 4 है, बड़े दिल वाले से याद आया, एक बच्चा भी था, चल जोड़ यार अभी, हाँ 4 है, ज्यादा अपन पहले पढ़ाई कर लेते, कंटेंट कवर कर लेते, तो पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का 4 है और इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर दिस, ठीक है, तो आपने ध्यान ना मैग्नेटिक मूवमेंट वो स्क्वायर बनाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या कोई सा भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो ये होता है बच्चों, आपको पता है हाफ, हाफ लगाना मत भूलना, घर वाले दो टुकड़े बांट देंगे, हाफ हाफ, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कई लोगों को लगता है मम्मी मेरा सर हमारे पापा आप मैं बांट रहे हैं, तो मम्मी पूछ लेगी बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी मम्मी को फोन आने लग गया, बेटा मम्मी आप बस देख रहे हैं अपने को, ऐसा लगता है अपना पक्ष जब गलती कर देते ना बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पापा एंड मम्मी, देख एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पापा एंड मम्मी, अगर बात चली तो पूरी गलत है, पापा एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो जितना डांटना होता है एक बार में डांट के चुप हो जाते हैं, जो डांटना है जो उनको अपने से किसे करना अपनी गलती पे वो एक बार में कर कुरा के चुप हो जाते हैं, फिर वापस नहीं बोलते, फिर बस प्यार करते बाद में कि यार मैंने बहुत डांट दिया, पुचकारते। मम्मियां, मम्मियों में और पापा में डिफरेंस, मम्मियां मम्मियां उस समय पापा से बचा लेती है, पापा डांटो तो ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है ना हो गया तो ठीक है, उस समय तो बचा लेगी, लेकिन बच्चों एक महीने तक पीछे नहीं छोड़ेगी, तेने वो कांच की बर्नी ऐसे कैसे पकड़ी थी, तेरे को पता कितना नुकसान होगा, खाना खाएंगे तो कुछ भी करेंगे बार 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 बार। तो बच्चों पापा एक बार में डांट देते हैं और मम्मियां रह रहे के डांटती है, समझ में आ गई? तो तेरे को लग रहा मेरे लाल को अगर तेने हाफ भूल गया ना बेटा तो तेरे को ऐसा नहीं हो रहा बेटा, है मम्मियों को से माफी मांग लेना मेरी तरफ से, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरी मम्मी भी ऐसा क्या हो गया था, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तेने पढ़ाई नहीं की, अरे बाप रे, हाँ वहाँ पे दिन भर मूवियाँ देखता होगा, मूवियाँ देखने जाता होगा, पताशे खाने जाता होगा, पढ़ता थोड़ी होगा तू, हाँ इसका एरिया इसमें पेरीमीटर एरिया वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू, तो एरिया वही बच्चों, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एच, ठीक है वही सेम है ना, तो यहाँ बेस लिख दो चाहो तो ये सर, फिर इसमें तो ये, अरे तो बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला बेस इसकी लेंथ होगी अगर ए वन और इसकी होगी ए टू, तो इन दोनों का एरिया जब टोटल करोगे तो हाफ इंटू एच कॉमन आ गया, ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू पूरी लेंथ हो गई ना यार, समझ में आई? ऐसा थोड़ी ना, तो आगे ट्रायंगल बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ भी एड होकर पूरी लेंथ लिख दी ना, पूरी लेंथ है ना, तो बेस तो उसमें दोनों ट्रायंगल के बेस आते हो गए, ठीक है सर, तो ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो हाइट इन टू यही होता है, तो मैं ये कर दू ये आप इसको थोड़ा साफ सुथरा बना रहा हूं, ठीक है ये देख, ये एच और ये पूरा बेस है, ध्यान रखना, तो वो सब आ गया इसमें, तो दोनों का एरिया यही है, ठीक है चलो आ जाओ, अब आ जाओ, अब ये तो आ गई बच्चों सारी टू डी ज्योमेट्री, एक ट्रेपेजियम रह गया, पीछे ट्रेपेजियम कर देते हैं, तो रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल ठीक है ट्राइंगल और ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हमारे बच्चों याद है वो वेलोसिटी और टाइम के कर्व देके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछता है, अगर आपको ये ट्रेपेजियम पता होगा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, पीवी कर्व में भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ट्रेपेजियम कई बार बनते हैं पता है ना तेरे को, तो ठीक है सर कैसे फास्ट हो जाएगा, ट्रेपेजियम क्या होता है आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, इक्वल नहीं पैरेलल, और बाकी दो स्लांटेड साइड हो कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब ट्रेपेजियम, तो इसमें क्या होता है बच्चों एक तो हो गई हाइट, दोनों पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन, दोनों पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन, और एक हो गई दोनों पैरेलल साइड की वैल्यू ए, तो देखो अपने को इसकी पैरामीटर मेरे को नहीं चाहिएगी, और पैरामीटर मैं बता दूंगा कैसे निकालूंगा, हाफ इसका एरिया, तो आपको पता है एरिया कितना हो गया, तो हाफ इंटू दोनों साइड का टोटल, ए आमने सामने वाली साइड का टोटल इंटू हाइट, बोर्ड मास भी तो बताना है, देखो बच्चों और क्या क्या बचा अपना, ठीक है चलो हाफ इंटू आमने सामने वाली साइड का टोटल इंटू हाइट एच, हेलो हाफ इंटू आमने सामने वाली साइड का टोटल इंटू हाइट एच, क्लियर है क्या? एक मिनट रुक जाना, ठीक है ना, हाफ इंटू आमने सामने वाली साइड का टोटल इंटू एच, ठीक है ठीक है, ये सारा हो गया अपना ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक सर, तो ये मेरे काम आएंगे जो फ्रीक्वेंटली मैंने लिख दिया। अब थ्री डी ज्योमेट्री देखो, सिलेंडर सिलेंडर क्यूब क्यूबॉइड, ये देखो क्यूबॉइड है, ये थ्री डी ज्योमेट्री है सब, हाँ, और एक स्फीयर, पहले स्फीयर का लिख देता हूं, स्फीयर और कोन, ठीक है ना, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है बच्चों, तो स्फीयर का एरिया आपको सबको पता है सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब जो बॉल की सरफेस है वो, तो वो होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, उसका वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, याद है ये आपके कहां काम आया था, आपने इलेक्ट्रोस्टेट में डेरिवेशन किया था नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, तो याद है वो अंदर स्मॉल आर रेडियस में चार्ज निकाला था, तो वहां 4 बाई 3, अच्छा, और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास हो गया, स्फीयर में से स्फीयर कट करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्फीयर में से स्फीयर, ग्रेविटेशन में क्वेश्चन करे तो वहां स्फीयर में से स्फीयर कट करूंगा, तो वहां पे ध्यान रखना 4 बाई 3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, अच्छा कौन कौन का सरफेस एरिया, अब ये इतना काम नहीं आता, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वन थर्ड होता है सिलेंडर का, वन थर्ड होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है,
ये आर बेस रेडियस है, ध्यान रखना, ये आर बेस रेडियस है और एच इसकी हाइट है, ध्यान रखना ये एच हाइट है। तो ये वन थर्ड ऑफ पूरा सिलेंडर, ये बच्चों तीन कोण मिलकर सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पे, मतलब तीन कोण के बराबर होता है वो, अरे वो मटेरियल के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वो ज्यादा कम आके तीन कोण के बराबर, तीन कोण के वॉल्यूम जितना होता है इसका, तीन कोण एक सिलेंडर बनाता है तो बराबर वॉल्यूम, तो वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज बेस रेडियस, एच इज हाइट, ठीक है सर। तो वॉल्यूम याद रखना, सरफेस एरिया नहीं काम आएगा मेरे, सिलेंडर सिलेंडर का सरफेस एरिया और वो दोनों काम आते हैं, याद है वो अपन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वगैरह बनाएंगे तो। हाँ, तो इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना था, या सिलेंडर लिख रहा हूं, सिलेंडर, ठीक है, या लिख देता हूं, चलो ये देखो ये ए, तो यहां सिलेंडर, ठीक है, यहां सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, यहां पे क्यूब और यहां क्यूबॉइड, ठीक है। हाँ, तो देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, वेयर आर इज दिस रेडियस, ये आर, ये आर है, आर इसकी बेस रेडियस, तो देखो 2 पाई आर एल। सर ये कैसे आया सरफेस एरिया, तो देखो पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी अपने को क्या है सरफेस एरिया ना, अरे सर सर सर, ये वाला सरफेस जो कर्व सरफेस है उसका 2 पाई आर एल, और ये पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, अगर ये होलो पाइप होता और ऊपर नीचे से खुला होता तो 2 पाई आर एल होता, लेकिन ऊपर नीचे से पैक है तो ये हो जाएगा, इधर देख ये हो जाएगा, ये देखो तो हो जाएगा कितना बेटा, जगह कम पड़ गई, तो देखो अगर ये ऊपर नीचे से खुला होता तब तो 2 पाई आर एल होता, लेकिन अभी हो जाएगा 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एल, ये हो गया सरफेस एरिया। बेटा अपन ने 9th 10th में नहीं करे, पेंट करना है तो बताओ स्क्वायर इतना, इतना पर स्क्वायर फीट पे इतना पेंट लगता है, इतने रुपए कॉस्ट है, तो फलाना बताओ कर लेना। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर की डिस्क है और ऐसी डिस्क है एल हाइट तक जमी, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको एच कर दो, इसको एच कर दे बेटा, क्योंकि एच में हमारे को ज्यादा अच्छे से पता होता, तो यहाँ एच कर दूं, जितनी जल्दी करते हैं ना उतना काम धीरे होता है, मैंने देख लिया गलतियां ज्यादा होती, ठीक है, ये 2 पर आर प्लस एच, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया, तो ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर छह सरफेस है तो 6 ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर यहां, ए स्क्वायर यहां, तो 6 ऐसी सरफेस, एक दो आगे पीछे दो, दाएं बाएं चार और ऊपर नीचे छह, तो टोटल राइट लेफ्ट आउटवर्ड इनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, टोटल 6 फेस और 6 है स्क्वायर, क्योंकि हर फेस एक स्क्वायर है। अच्छा, वॉल्यूम ए क्यूब, सबको पता है ए क्यूब वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता, ध्यान रखना साइड का, ठीक है। क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में देखो बच्चों, अब इसका सरफेस एरिया में देखो रेक्टेंगल बनेंगे, आमने सामने अलग, ऊपर नीचे अलग और साइड वाइज अलग, तो सब गिनने पड़ेंगे, तो आमने सामने ए ए बी, अरे ये देखो ना ए इंटू सी ए सी है, तो ए सी ए सी आगे पीछे, तो 2 ए सी 2 ए बी 2 बी सी, तो यहां पे 2 ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये छे, ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा ए बी सी, तीनों साइड का मल्टीप्लाई। अब इसमें ए बराबर बी करके देख लो, आप क्यूब वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों सेम कर दो तो क्यूब बन जाएगा, देख लो ए बी सी तीनों बराबर होंगे, अगर क्यूबॉइड की तीनों साइड सेम होते तो क्यूब बन जाता है, तो तीनों सेम कर दो तो ए क्यूब बन जाएगा यहाँ, और तीनों सेम कर दो तो यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अंदर 3 ए स्क्वायर इंटू 2 6 ए स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा फर्क बता रहा हूँ बेटा, ये तुम्हें पता है ना, नहीं पता तो मैंने लिख दिया, तो देख लेना ना यार। आप इसे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर की एच हाइट तक पूरी डिस्क की डिस्क रखिए तो पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया अगर सिर्फ कर्ण का गिनना है तो 2 पाई आर एल, और कर्ण और ऊपर नीचे के ढक्कन लगा के गिनना है तो ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर, तो दो तो पाई आर स्क्वायर है और एक 2 पाई आर एल है, दोनों को जोड़ूंगा तो 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच ब्रैकेट, ठीक है। और क्यूबॉइड में 2 ए स्क्वायर सॉरी 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और वॉल्यूम क्यूबॉइड का ए बी सी, ठीक है सर, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गई सर, उधर सिलेंडर और इसके बता ही दिए मैंने, स्फीयर के सिलेंडर वन थर्ड ऑफ सॉरी कोन, कोन वन थर्ड ऑफ सिलेंडर होता है, सॉलिड कोन वन थर्ड ऑफ सिलेंडर होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है और 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और इसमें हेमी स्फीयर कर देगा तो आधा कर देगा, तो आधा कर देना दोनों चीजें सरफेस एरिया, ठीक है। पर सरफेस एरिया में अगर बॉटम में वो तबला ढक्कन लगा हुआ होगा तो पाई आर स्क्वायर और एड कर लेंगे सर। तो सर ये सारे फॉर्मूले हम कल याद करके आएंगे, आपको सुनाएंगे और फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों कुछ
बातें और है वो मेरे हिसाब से देखो बहुत ज्यादा आपके पास वो हो जाएगी है ना इकट्ठा। एक एक बोर्ड मास वाली बात तो और करना चाहूंगा, वो ओडोमास और बोर्ड मास हाथी के ये भी कर लेते अपन ठीक है। तो अगले टर्न पे मैं फॉर्मूले पूछूंगा पहले सारे, अगर बेटा फॉर्मूले नहीं करके आए फिर देख तो ऑनलाइन लपड़ पड़ेंगे। सर ये ऑनलाइन लपड़ क्या होती बेटा वो मैं बताऊंगा तेरे को ठीक है। अब देखो सर ये क्या कुछ समझ नहीं आया, तू तो छोड़ क्या समझ नहीं आया, इसको सोल्व करेंगे ठीक है। चार ऑप्शन दे रहा हूं ए ठीक है, 12 बी 20 सी 4 डी 5 ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आप ट्राई करें ठीक है, इसके भी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, हाँ ये दे रहा हूं मैं, ए 23 बी 50 सी 5 डी नन, कुछ भी दे दिया है ना, ये इसके ऑप्शन ठीक है सर। अब देखो ये इसके चार ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है। अगर एक बात बताओ आप, जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे समझ में आ गई, मैंने इसका डिवाइड कर दिया दो बार और 10 प्लस 2 12 कर दिया, ये मैंने किया। मेरा दोस्त बाहर आया, हम एग्जाम देके आए कहीं पे ये कैलकुलेशन आ गई, मेरा दोस्त आया उसने क्या करा 10 प्लस 10 कर दिया तो 10 और 10 20। अरे बेटा यार मैंने पहले डिवाइड कर दिया, उसने पहले 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 5, तो उसने 10 और 10 पहले ऐड कर दिया 20, बिल्कुल मेरे को तो कुछ भी गलत नहीं लगा 5, तो मैंने बोला मेरा आंसर 12 आया, उसने आके मेरे को कहा मोहित यार तेरा तो 12 आया लेकिन मैंने देखे ऐसे डिवाइड करा 4 आ गया, ए ओडोमास बोर्ड मास तो उसका 4 आ गया, और यार मेरे को लग रहा है यार उसका, अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने पहले डिवाइड कर दिया मुझे पता कुछ नहीं था, मैंने तो डिवाइड दिखा डिवाइड कर दिया तो 2 आके फिर 12 आ गया, लेकिन उसने पहले क्या करा ऐड कर दिया तो उसका 10 10 20 और फिर डिवाइड करा तो उसका 4 आ गया, और मेरे को लग रहा है यार वो तो बिल्कुल सही बोल रहा, अब हम दोनों कंफ्यूज, तो ज्ञान दोनों को ही दिखा, जिसको जो पहले दिखा वो कर दिया। बेटा ये तुम्हारा ननियाल नहीं है कि राजू मामा कुछ नहीं कहेंगे, ए मेरी बात सुन मेरे लाल, हर कुछ नहीं कर सकते हो तो सर नियम है, वो नियम ये रहा बोर्ड मास, ए ओडोमास 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 कर रहा था, ये बोर्ड मास बहुत दम है सर, क्या है ये बोर्ड मास बता रहा हूं, इधर देख बोर्ड मास, देख बोर्ड मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, बी मतलब ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर, ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर, बेटा ये छोटी छोटी गलतियां रोएगा फिर ध्यान रख लेना, डी मतलब डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट में आते हैं, समझ में आ गई। अब अगर ये नियम नहीं पता था तो आप बर्बाद हो गए, क्लियर है, अब आप कंफ्यूज ही रहोगे, तो आ जाओ सही सॉल्यूशन करें ठीक है। अब अगर ये बोर्ड मास टेक्निक आपको पता थी तो आप गलती नहीं करोगे बेटा, ये बहुत छोटी छोटी क्लासों में भी सिखाई जाती है, तो सर अब हम ध्यान रखेंगे और बताओ अब आप, अब हम ध्यान रख लेंगे ठीक है, ठीक है चला जाओ। अब बोर्ड मास यूज करते हैं, अब इधर देख, अभी तो देख, तो पहले 10 और 10 को ऐड किया जाएगा या 10 और 55 को डिवाइड किया जाएगा, तो 10 में 5 का डिवीजन होगा क्योंकि डिवीजन पहले आता है, ये दिस इज द सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट, दिस इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस लेफ्ट से राइट चलो तो पहले डिवीजन आ रहा है, तो पहले डिवीजन करोगे तो मैं बोलता हूं बच्चों पहले डिवीजन करा तो 2, तो आपका तरीका आपने जो गलती से तूने सही करा था वो राइट है, तो 10 प्लस 2 5 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, तो मैं बोलता हूं बच्चों पहले डिवीजन होगा, तो डिवीजन पहले होगा देन एडिशन, देन एडिशन, देन एडिशन, ओके हेलो, तो सर समझ में आ गई, तो पहले डिवीजन होगा ठीक है, तो समझ में आ गई, तो डिवीजन पहले होगा, तो ये दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 12 आंसर होगा। अब बताइए इसमें बताओ, पहले ये ऐड करोगे, वही वही मेरा दोस्त ऐड कर आया गलत, तो अब क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, बेटा जो पहले ऐड कर देगा उसका 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 5 इंटू 10 50 आ जाएगा आंसर, तो 50 इज रॉन्ग,
तो सर पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 2 10 10 2 जा 20 20 प्लस 3 23 वुड बी द आंसर। आया आनंद आया? ओके अब देख ये बात समझा रहा था मैं, सेम क्वेश्चन ये का ये क्वेश्चन वापस दे रहा हूं। अरे सेम क्वेश्चन वापस दे रहा हूं सर, क्यों दे रहे हो? अरे सेम क्वेश्चन वापस दे रहा हूं, एग्जांपल तेरी ये ले, वही 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 5। तो सर सेम क्वेश्चन दोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। हेलो ब्रैकेट लगा दिया, थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है। और वही ऑप्शन ए क्या दिया था, ए में 12, बी 4, जो भी आगे पीछे कर दिया मैंने, सी 5, डी नन, कुछ भी कर दिया मैंने नन। अब मेरे दोस्त का राइट हो गया, क्योंकि देखो अब ब्रैकेट पहले आ रहा ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। सर उसके अंदर एडिशन होने दे, ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले सोल्व करे। ए बोर्ड पास, ब्रैकेट डिवीजन से भी पहले आता है, डिवीजन से भी पहले सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सबसे पहले हिसाब किताब होता है उसका, फिर तो पूरा ब्रैकेट बाहर वालों से मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन जो भी हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो 10 और 10 20, तो इस बार जो आंसर होगा, हेलो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट देन डिवीजन देन डिवीजन। हेलो कैसे कैसे? अरे ओडोमास नहीं बोर्ड मास, कई बच्चे अभी भी ओडोमास बोर्ड मास, ठीक है। हेलो ठीक है सर, तो यहां मैं बोल दू 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 था ना, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 5, और ये काटा तो मेरा आंसर बाहर आ रहा है मेरे बच्चे इस बार। तो जो आंसर मेरा पहले बाहर आ रहा था वो 4 आ रहा है, क्योंकि इस बार ब्रैकेट लग गया। तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आया बेटा, ये 99% बायोलॉजी के बच्चों को पता ही नहीं होती है। यहां पे भी अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो विथ ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट दोनों बता दिया तेरे को मैंने, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों, कुछ यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो कुछ यूनिट कन्वर्जन, चलो इस यहां से अपन ज्यादा हो जाता। देखो बेटा उतना ही खाओ जितना पचा सको, मेरी हमेशा आपसे यही राय रहेगी, जितना उतना ही खाओ बेटा जितना आप पचा सको, ठीक है, नहीं तो वॉमिटिंग कर दो, ठीक है। अब बच्चों अपना लोग फाइनली कंप्लीट हो गया विद होमवर्क, होमवर्क में भी कुछ नहीं बचा, इक्के दुक्के बीच के होमवर्क बचे हैं, वो जो मैंने पढ़ाते वक्त बीच बीच में एक आते दिए थे वो आप ट्राई करो, नहीं है तो आप मेरे डाउट भेज के पूछो, क्लियर है। अच्छा उसके बाद मैंने तुम्हारे को आज सारा बेसिक क्लियर करा दिया, अगले टाइम पर अपन इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और या देख लेंगे इंटीग्रेशन या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी देख लेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन से पहले तो कंफर्म इंटीग्रेशन पढ़ूंगा, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक एलजेब्रा इंटीग्रेशन जो उचित लगेगा वो चालू कर दूंगा, जो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ठीक है देखा, ध्यान रखना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आर टू आई, जैसे अपनी दो आंख है जिससे अपन दुनिया देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स की दो आंख है, ध्यान रखना। अगर आपको फिजिक्स देखनी है तो ये दोनों आंखें आपको परफेक्ट बहुत जोरदार, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए दो आंखों के समान है। अगर आपको फिजिक्स देखनी है तो आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली आंख होनी चाहिए, ये तो हर जगह फिजिक्स है, ठीक है। तो ये भी तो अपनी जगह बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये, ठीक है। तो अगले टर्न पे अपन आगे की बात करेंगे बच्चों, बाय बाय, पढ़ते रहो जोश और जुनून के साथ, काम करते रहो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता और आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। और रात को जब सो तो सोने से पहले जब कांच के सामने खड़े होकर मुंह धो तो आप अपने आप से नजरें मिला पाओ, रोज इतना काम तो करना ही है आपको। बाय बाय बच्चों, बाकी आप समझदार हैं, ओके।